परम पूज्य गुरुदेव जी अचनी वंदनी मुदमंगल मैं संत समाज धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, पांच तत्व का पोतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। हर प्राणी को पांच तत्व का शरीर मिला, लेकिन यहाँ मनुष्य के लिए बात हो रही है कि मानुष धरिया नाव, ये शरीर पांच तत्व का पा करके हम मनुष्य कहरा रहे हैं। एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव, साहब कहते हैं एक कला की कमी है, वो कला है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला नहीं है, इसलिए विकल होत सब ठाव, दर दर की ठोकरें खाते हैं। मन में चिंता है, मन में फिक्र है, मन में तमाम तरह की बातें हैं, दुखी हैं। अगर जीवन जीने की कला आ जाए हम में, साहब उसी के लिए प्रेरणा देते हैं। शरीर सबको मिला है, लेकिन कोई भाग्यशाली होता है जो जीवन जीने की कला को पाता है और इस जीवन को सार्थक बना पाता है। जब जीवन में संतों की संगत होती है, संतों की संगत होती है, तो जीवन जीने की कला अपने आप आ जाती है। संतों की संगत की कमी है हमारे जीवन में, इसलिए तमाम तरह के कमियां हमारे अंदर भरी हुई हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, कर वहीं आबला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। जब तक अपने बाहुबल का भरोसा नहीं करेंगे, तब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे, भटकते रहेंगे, कहीं भगवान के नाम पर, देवी देवता के नाम पर हर जगह सिर पटकते रहेंगे। और भौतिक क्षेत्र में भी जहां तहां सिर मारते रहेंगे। इसलिए अपने बल का भरोसा करें, और बलवान व्यक्ति किसी के भरोसे नहीं जीता है, अपने हाथ की कमाई, अपने ईमानदारी की कमाई पर विश्वास रखता है, और उसमें जो नमक रोटी मिल जाता है उसी से वो संतुष्ट रहता है। सदगुरु कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे उतने धन की जरूरत है जितने में हमारा परिवार चल सके, हमारा पेट चल सके, और हमारे घर में आए हुए अतिथि का काम बन सके, उनका पेट भर सके, उनकी सेवा कर सके, बस इतना ही चाहिए। इससे जो ज्यादा चाहता है फिर वो घूसखोरी बेईमानी ना जाने क्या क्या करता है। करोड़ों का ठेका लेता है, आधा बचा लेता है, आधा लगाता है, यही तो होता है ना। इसलिए हमारे इस जीवन को समझना है। जब तक इस जीवन को समझेंगे नहीं, तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो सदगुरु कबीर हमें जीवन जीने की कला देते हैं। जीवन जीने की कला जब तक हम में नहीं होगी, तब तक हमारा काम बनने वाला नहीं है। कई बार देखा जाता है कि संत गुरुजन, जैसे गुरुदेव यहाँ के हैं साहेब जी, सदगुरु श्री गुरुबचन साहेब जी, पुस्तक देते हैं, लो भैया पढ़ो इसे। हमारे सदगुरु अभिलाष साहेब जी कई बार फ्री पुस्तक दे देते थे, और पूछने पर बाद में पता चलता था कि हाँ साहब रखी है पुस्तक। कहाँ रखी है? अलमारी में रखी है। ये भी पता नहीं किस अलमारी में रखी है, क्योंकि फ्री से मिली है, पैसा तो लगा नहीं। जब पैसा लगाया जाता है, दाम लगाया जाता है, तो एहसास होता है कि भाई खरीदे हैं तो चलो दो अक्षर इसमें देखते हैं क्या लिखा है। ऐसे दे दिए हैं तो बेमन से ले लिए हैं, बेमन से रख दिए हैं, और जब मन होगा तो पढ़ेंगे, जब मन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि अच्छे काम के लिए मन कभी नहीं होता है। देखो यहाँ पर नाच होता है ना,
यहाँ नाच होता तो ये बिछाना भी ना पड़ता, अपने घर से बोरी लाकर बैठते और बड़े आराम से बैठते, और जो नोट होता ना जेब में वो भी खर्च करके चले जाते, सोचते भी नहीं कि इतना पैसा कहाँ चला गया। लेकिन यहाँ देते समय भी सोचेंगे और बैठते समय भी सोचेंगे, कुर्सी चाहिए, गद्दा चाहिए, तखत चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए, भाव भी नहीं होता है। यहाँ बैठेंगे गाएंगे, उधर बीड़ी पिएंगे, उधर जा कर के तम्बाकू खाएंगे, उधर जाके कुछ गाली देंगे, झगड़ा करेंगे। बंधुओं, ये जीवन जीने की कला थोड़ी है। बाहर आप ड्यूटी में सैकड़ों को अपने बस में कर लेते हैं आँख दिखा करके, लेकिन जब घर में आते हैं तो बिल्ली बनना पड़ता है। और बिल्ली थोड़ा आती में चला गया, आप वहाँ पिता बन करके रहेंगे तो प्यार पाएंगे, वहाँ भाई बन करके रहेंगे तो प्यार पाएंगे, वहाँ पर अफसर बन करके अगर रहेंगे तो प्यार नहीं मिलेगा, बल्कि घर में फूट पड़ेगी और हानि होगी। और ये हानि क्यों होती है? क्योंकि हमारे में संस्कारों की कमी है। संस्कारों की कमी जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला माने विवेक की कला। विवेक हम में नहीं होता है तो सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही दिशा का निर्णय नहीं ले पाते हैं। कहते हैं दिशा सही तो दशा सही, चाल ठीक तो हाल ठीक। गलत दिशा में आप चलेंगे तो साइकिल सही नहीं, जहाज में बैठकर चलेंगे तब भी मंजिल मिलने वाली नहीं है। अगर सही दिशा में चलेंगे तो साइकिल ही नहीं, आप चींटी चाल चलिए तब भी एक न एक दिन मंजिल आपने पहुंच जाएंगे। बस सही दिशा होनी चाहिए, दिशा अगर सही तो दशा अपने आप सही हो जाएगी, दशा को सही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधुओं, साहब कहते हैं पांच तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव, विकल होत सब ठाव। दर दर की ठोकरे हम खाते हैं, तीर्थ चारों धाम करते हैं, गंगा नहाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, मुंडन करवाते हैं, शारदा माई में जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, केवल जड़ के पुजारी बने हैं। जड़ की पूजा करते करते हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई है। पूजा करें, क्योंकि बच्चा जब तक बच्चा है तब तक ककारा उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट उसे एम ए बी ए की पढ़ाई वो नहीं पढ़ सकता। अगर डायरेक्ट एम ए बी ए की अगर उसे पढ़ाई पढ़ाएंगे तो पढ़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं पाएगा। अगर उसे ककहरा पढ़ाएंगे, काका गागा अंगा, का माने कबूतर, का माने खरगोश, बड़े आराम से पढ़ेगा और बड़े आराम से वो गाएगा भी कहेगा भी। लेकिन बंधुओं, उसी को बड़ी डिग्री वाली पढ़ाई पढ़ाएं तो नहीं पढ़ पाएगा। इसी प्रकार जब तक हमारा मन बच्चा बना हुआ है, अर्थात कम समझ वाला है, तब तक देवी देवता पूजा पाठ गंगा यमुना ये करना जरूरी है, क्योंकि इतना करने से कुछ देने का भाव बना है, कुछ झुकने का भाव बना है, कुछ हृदय में शीतलता है, मन कुछ शांत है, अच्छा है। बहुत संस्कार में नहीं पहुँचे हैं, बहुत ऊँचे नहीं पहुँचे हुए हैं, लेकिन कुछ तो है। अगर ये भी खत्म हो गया तो हमारे पास कुछ बचने वाला नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि हाँ थोड़ा हो। लेकिन अगर कब तक बच्चा बने रहेंगे, जब तक बच्चा कब तक ककहरा पढ़ता रहेगा? अगर ककहरा ही पढ़ता रहेगा तो पुलिस नहीं बन पाएगा, मास्टर नहीं बन पाएगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, कलेक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा, जज नहीं बन पाएगा। कुछ बनने के लिए ककहरा को छोड़ना पड़ता है। अपनी बुद्धि में जो बात नहीं आती है, लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाला जाने, कौन कहे भीतर वाला जाने। क्योंकि आप भीतर वाले को अगर देखेंगे तो सच में वो जानता है। आप अंदर बैठे बैठे अकेले में रसगुल्ला खा लेते हैं, कोई नहीं जानता, पर भीतर वाला जानता है कि मैं खाया हूँ। भीतर वाला जानता है। अगर ज़्यादा खा गए, दूसरे का हिस्सा खा गए तो पाप तो हो ही गया, लेकिन पेट खराब हो जाएगा, दूसरे दिन पता चलेगा। इसलिए जो मैं करता हूँ मुझे पता है, मेरी कमाई, कहते अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की, आप जो करेंगे सो भरेंगे। इसलिए हमें अपने कर्म को सुधारना है। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई, तुम पर जुल्म है ना ईश्वर खुदाई। तो इस बात को हमें ख्याल में रखना है, अपने कर्मों पर सुधार देना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही हमारा मूल है। कर्म को हम बदल दें तो ऊपर वाला, भीतर वाला, इधर आगे पीछे, ऊंचा नीचा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस कर्म हमारा अच्छा है,
तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म हमारा अच्छा है तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दिन दोनों अच्छे है तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में हम की फांसी है। तो हमें इस पर विचार करना है, सोचना है। एक साखी के माध्यम से कुछ बातें मैं कहने का प्रयास किया, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से जय बोलने का कष्ट करें, बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की। पाया मानुष कतन आज कर ले भजन ना भुलाना, पाया मानुष कतन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष कतन आज कर ले भजन ना भुलाना, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना। पाया मानुष बोलते हरी भाई, तेरे जीवन का क्या है ठिकाना, खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर है नर्तन को पाया। खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर है नर्तन को पाया। भाग तेरे जगे दाओ ऐसे लगे मुक्ति पाना, भाग तेरे जगे दाओ ऐसे लगे मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया कहते हैं हम खानियों में भ्रमण करते करते आए थे और जीवन में हमने कोई ऐसा कार्य किया था, ये जीवन हमको मिला था और इसमें आकर के हमने जो अच्छा कार्य नहीं किया। कहते हैं मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने शुभ अशुभ जैसा किया है। हाँ खानियों में भटकता तू आया, आज अवसर है नर्तन को पाया। खानियों में तू आया, आज अवसर है नर्तन को पाया। भाग तेरे जगे दाओ ऐसे लगे मुक्ति पाना, मुक्ति पाना, मन को विषयों से अपने हटाना। स्वप्न की संपत्ति में ना फूले, स्वप्न की संपत्ति में ना फूले, देख दो दिन की माया ना भूले। स्वप्न की मृत्यु के बाद सब ये रहे तेरे कब घर खजाना, मन को विषयों से अपने हटाना। पाया मानुष का तन आज कर ले, अमृत आकर अचानक धरेगी तेरी अक्ल तब कुछ ना करेगी, अमृत आकर अचानक धरेगी तेरी अक्ल तब कुछ ना करेगी। या ते साधन में मन कर ले अपनी लगन, दूर जाना दूर जाना,
क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना, आते साधन में मन कर ले अपनी लगन दूर जाना। क्यों तू पथ में ही बैठा भुलाना, किसके वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। किसके वत भोग को छोड़ दे तू, जगत से चित्त को मोड़ ले तू। निज सोता रूप भज मन के अध्यास, तज मद जलाना मद जलाना। शांत अभिलाष अपने में पाना, निज सोता रूप भज मन के अध्यास, तज मद जलाना। शांत अभिलाष अपने में पाना, आप चाहे जितना पढ़ाई कर लीजिए, एमए बीए कर लीजिए और अनेक डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अगर जिंदगी को जीना नहीं आया है तो डिग्रियां क्या करेंगी। आज लड़के ही नहीं, लड़कियां भी खूब पढ़ लिख रही हैं और उनकी भी बड़ी ऊंची ऊंची शिक्षाएं हो रही हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि आपके स्कूली शिक्षाओं में, आपके गृहस्थी धर्म में जीवन जीने के लिए कोई भी पार्ट है, कोई भी रोल है। पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए, सास ससुर के साथ कैसे जीवन जीना चाहिए, ननंद और भावज को कैसे रहना चाहिए, देवरान जेठान को कैसे रहना चाहिए, आपके कॉलेज और स्कूलों में क्या एक भी चैप्टर है ऐसा जो पढ़ाया जाए कि गृहस्थी जीवन में कैसे रहना है सुखपूर्वक। ये तो वैसे ही हुआ कि बिना पढ़ाई किए जैसे किसी व्यक्ति को दे दिया जाए इंजेक्शन और दवाई का झोला और कह दें कि जाओ तुम रोगियों को दवाई दो। बिना पढ़ा लिखा डॉक्टर बन जाए कोई व्यक्ति तो रोगियों को ठीक करेगा कि मारेगा। इसी प्रकार बिना प्रशिक्षित हुए गृहस्थी में ढकेल दिया जाए लड़का और लड़की को, उनको पता ही नहीं है कि माँ बनने का क्या मतलब होता है, उसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, पिता बनने की क्या जिम्मेदारी होती है, सास बनने का क्या मतलब होता है और घर परिवार चलाने का क्या अर्थ होता है, और बस गृहस्थ बना दिया गया। बड़ी बेताबी रहती है कि हम अपने बच्चों को शादी कर दें, लेकिन उन बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए हमने कुछ सोचा ही नहीं। सत्संग में आने भी लगे अगर बच्चा तो माता पिता को डर होने लगता है कि अरे अभी से सत्संग तुम्हें सूझने लगा है, ये तो बुढ़ापे का काम है। उनको डर हो जाता कहीं साधु ना हो जाए, एक बार सत्संग में कोई आ जाएगा तो साधु बन जाएगा। अरे जिंदगी भर सत्संग करते हुए भी लोग साधु नहीं बन पाते हैं, साधु बन जाना कोई हंसी मजाक है क्या। लेकिन आप ये सोचिए कि साधु तो नहीं बनेगा, अच्छा इंसान तो बनेगा। आज जितना डॉक्टर मास्टर इंजीनियर और वकील की समाज में ज़रूरत है, उससे ज़्यादा एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है। और सच्चा इंसान होकर के डॉक्टर डॉक्टरी करेगा तो अच्छा सेवा करेगा लोगों की, मास्टर मास्टरी करेगा तो विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाएगा, और इंजीनियर इंजीनियरिंग में काम करेगा तो आपके घर निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण में बढ़िया काम होगा। और इसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में वो बढ़िया काम करेगा तो एक समाज में कीर्तिमान स्थापित करेगा। लेकिन नहीं, हमने अच्छा इंसान बनने के लिए तो कभी सोचा ही नहीं है, बस बच्चों को पढ़ाओ, नौकरी लगाओ, इतनी नोट कमाएं, और नोट चाहे जैसे कमाएं, चाहे जितने लोगों को सता करके लावें, लेकिन पैसा लावें। पैसा कमाने की मशीन हम बच्चों को बनाते हैं, इंसान नहीं बनाते। इंसान जब नहीं बनाते हैं तो वही बच्चे बड़े हो करके माता पिता को फिर
वृद्धा आश्रम में ढकेल करके भेज देते हैं तो किनका दोष है? क्योंकि हमने उनको सज्जन नहीं बनाया है, नेक इंसान नहीं बनाया है, सदकर्म सिखाया ही नहीं है, सुसंस्कार दिया ही नहीं है, तो क्या होगा? अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की, वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। हमें वही मिलता है लौट करके जो हम बोते हैं। खेत में कोई गेहूं बो करके आए और फिर काटते समय जाए और कहे कि नहीं मुझे तो चना चाहिए, चने की ज़रूरत है, तो क्या खेत से चना मिल जाएगा? अरे जो बोए हो वही मिलेगा। इसलिए सज्जनों, हम अपने अपने बाल बच्चों को, घर परिवार को सुसंस्कारी बनावें, सदाचारी बनावें, सदकर्म सिखावें, भक्तिमान बनावें, तब हमारी घर गृहस्थी उज्ज्वल होगी। पवित्रता का जीवन होना चाहिए घर परिवार में। गृहस्थी जीवन का मतलब ये थोड़े है कि शराब खा पी करके, अंडा मांस खा करके, लड़ाई झगड़ा करते हुए गृहस्थी को जिया जाए। नहीं, गृहस्थी का मतलब है कि पवित्र इंसान। देखिए दो शब्द चलते हैं, सज्जन और संत। सज्जन और संत कहते ना, वहाँ चार सज्जन बैठे हुए हैं, वहाँ दो संत बैठे हुए हैं। तो सज्जन का मतलब चोर बदमाश दुष्ट उजड्ड थोड़े होता है। सज्जन का मतलब नेक इंसान। और नेक इंसान बनने के लिए आप अपने घर परिवार में ही शुरू कीजिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके घर परिवार में संतों का आवागमन हो, आप खुद संतों में आवें जाएं और बड़े श्रद्धा विनम्रता और प्रेम पूर्वक बैठिए उनके पास। आप देखो रामायण पढ़ते हैं, महाराज श्री राम का जो कितना आदर्श है हमारे लिए। जब वशिष्ठ जी आते हैं तो श्री राम जी दौड़ करके उनका स्वागत करते हैं, उनका सामान पकड़ लेते हैं और बड़े आदर के साथ लाते हैं, सिंहासन पर बैठाते हैं। और सीता जी परात पानी लाती हैं और दोनों मिल करके चरण पखारते हैं, फिर उनकी वंदना पूजा करते हैं, फिर उनको खिलाते पिलाते हैं और फिर बैठ करके कहते हैं, गुरुदेव हमें कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमारे उज्जवल जीवन के लिए कुछ उपदेश सुनाइए। ये महाराज श्री राम का कितना बढ़िया गृहस्थी जीवन में जीने के लिए आदर्श है। हम लोगों ने अपने बच्चों को ये बात सिखाया है कि नहीं? अगर नहीं सिखाया है तो फिर वो क्या सीखेंगे? आप अपने खेत में अगर जा करके मेहनत करके गेहूं धान मक्का चना आदि नहीं बोएंगे तो क्या खेत में कुछ नहीं होगा? होगा, कांटे होंगे, झाड़ियां होंगी और खरपतवार हो जाएंगे, और वो ऐसी चीज होगी कि आपके कोई काम नहीं आएगी, बल्कि पैरों में कांटे गड़ेंगे, उलझ करके आप गिरेंगे उसमें। इसलिए जानबूझ करके खेत में कुछ आप कमाई करते हैं तब बढ़िया चीज़ें मिलती हैं, खाने को होता है। तो बच्चों के लिए भी कुछ आप कीजिए, उनके लिए अच्छी संगत, अच्छे विचार, अच्छी संगति का जब प्रबंध करेंगे तब उनका जीवन पवित्र बनेगा। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। ये घर परिवार को उज्जवल बनाने का, सुखी बनाने का ये तरीका है। मोह का त्याग, मोह ही सारे दुखों की जड़ है। जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुनि उपजय बहुसूला। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहा ही कबीर ते उबरे, जा ही न मोह समाए। और ये मोह, ये राग, ये आसक्ति, यह मोह ही तो सारे दुखों की जड़ है। और सद्गुरु कबीर कहते हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए वैराग्य परम आवश्यक है। जो लोग मोह में रह करके अपने जीवन को उसी में रात दिन बिताते जाते हैं तो उनके मन में अनेक प्रकार का भय, चिंता, शोक, नाना प्रकार की व्यथाएं आकर के उनको रौंदती रहती है, पीड़ित करती रहती है। लेकिन जिसने संतों की संगत करके अपने मन को समझा, अपनी आसक्ति और मोह को समझा और उसको मिटाने के लिए प्रयास किया संतों की संगत में जा करके, तो उनका जीवन खुशहाल बनता है।
इस निरंकारियों के सत्संग, जय गुरुदेव के सत्संग, भारत में अनेक मिशन काम करते हैं, अनेक संप्रदाय काम करते हैं, अनेक धर्मों के बारे में सुनते हैं और विभिन्न सिद्धांतों के अनुसार सत्संग सुनते हैं। सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग दो शब्दों से बना है, सत धन संग बराबर सत्संग। सत्य का संग करना ही सत्संग है। आप सब यहाँ जो पधारे हैं, बैठे हुए हैं, यहाँ पर एक ये ऐसा संग है कि सत्य के बारे में जानकारी मिले। आदमी धन का संग करता है तो धनी कहलाता है, विद्या का संग करता है तो विद्वान कहलाता है, परिवार का संग करता है तो पारिवारिक व्यक्ति कहलाता है। पर सत्संग ऐसे संग में हम बैठे हैं जहाँ पर सत्य का बोध हो। आदमी संग किए बिना नहीं रह सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। बुद्ध ने घर छोड़ा था, बहुत से संतों ने घर छोड़ा क्योंकि घर में दुख है। तो बुद्ध ने छोड़ा, जिनका पहला नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ ने छोड़ा, महावीर ने छोड़ा, अनेकों संत हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? गुरुकुलों में जाते हैं, साधना भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और फिर किसके बीच में आते हैं? फिर आप सबके बीच में आते हैं, संसार में आते हैं। सिद्धार्थ ने जो ज्ञान प्राप्त किया वो फिर समाज के बीच में आए। उन्होंने सोचा कि जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है इससे लोगों का कल्याण होगा। फिर सोचा कहाँ इतना सब समझने वाले इस विचार के, तो सोचा जैसे मैं था तो इसी तरह से कोई ना कोई मिलेगा। तो मनुष्य दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है। सुख कैसे मिलेगा? अच्छे लोगों का संग करके, सत्संग करके। असंगो हयम पुरुषा, ये पुरुष असंग है, अकेला है। आदमी संग भी करेगा तो कितने समय संग करेगा? गलत आदमी का संग करेगा तो कुछ देर तक गलत आदमी के संग में रहेगा, पर उसका परिणाम खराब आएगा। और अच्छे लोगों का संग करेगा तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। पर हर वक्त अच्छा व्यक्ति भी बराबर नहीं रह सकता है। ये संत महात्मा भी हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकते हैं, अथवा आप सब इनके साथ नहीं रह सकते हैं। ये दो दिन का कार्यक्रम है, फिर आप अकेले हैं। तो इसलिए सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना। और वो सत्य क्या है? जो कभी बदलता नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। आप सुनते हैं सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म क्या? ये जैन बौद्ध बाद के हैं, हिंदू बाद के, नाम के अनुसार ये सब बाद के। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से हो, वही धर्म है। जिसमें परिवर्तन ना हो, सदा से हो, वही धर्म है। वो क्या है? वो है ये जीव। जीव बदलता नहीं है। देखिए, बचपना का शरीर बदल गया, जवानी का शरीर बदल गया, बुढ़ापे का शरीर बदल गया। ये तन बदलता रहता है और मन भी बदलता रहता है। आदमी अभी कुछ सोच रहा है, आधे घंटे बाद कुछ और सोच सकता है। बिस्तर पर जाता है तो कुछ सोचता है, और फिर सवेरे उठता है तो तारे अनावश्यक सोच गए, इतना नहीं सोचना था। ये तन बदल रहा है और ये मन बदल रहा है, और ये संसार भी बदल रहा है। कभी जाड़ा होता है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होता है। सुबह सूर्य
कितना आकर्षक रहता है, और दोपहर का सूर्य कैसा रहता है, और शाम को कैसा रहता है। तो ये संसार भी बदल रहा है, ये शरीर भी बदल रहा है, ये मन भी बदल रहा है। फिर स्थिर क्या है? कवि साहब से किसी ने पूछा कुछ मांग लो, तो कवि साहब कहते हैं का मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, इकलक पुत सवालख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। तो क्या मांगने से मिलता है? कुछ स्थिर रहने वाला नहीं है। तो जो है सनातन सोई भूला, कवि साहब कहते हैं कि जो है सनातन सोई भूला। लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, पर सनातन को समझने वाले समझ नहीं पाए और भूले। अथवा ये सनातन कौन है? ये जीव है, जीव बदलता नहीं है। इसीलिए हम बचपना की बात जानते हैं, इसीलिए जवानी की बात जानते हैं। यदि वो बदल जाए तो फिर नहीं जान पाएंगे। इसलिए सनातन क्या है? ये जीव है, और जीव अपने आप को भूला हुआ है, इसलिए वो अपने से अलग कल्पना कर बैठा है। कहीं कोई लोक है जो वहाँ हमको जाना पड़ेगा, कहीं स्वर्ग है जो वहाँ जाना पड़ेगा, कहीं नर्क है वहाँ जाना पड़ेगा। कहीं ऐसा नर्क नहीं है, कहीं ऐसा स्वर्ग नहीं है, और कहीं ऐसा कोई बाहर ऐसा नहीं है जो आपको सुख दुख दे रहा है। जैसे अभी कोई नेता मान लो हार गया, तो पब्लिक ने हरा दिया, पब्लिक की गलती है। यदि वो वोट दे देता तो क्यों हारता? तो पब्लिक गलती है क्या? उसने जैसा काम किया उसके आधार से उसने उसको देना चाहा। घूम घाम की गलती किसकी? अपनी है। तो हम जो भी कर्म करते हैं, हमें लगता है कि हमें कोई दुख दे रहा, हमें कोई हरा रहा, हमें कोई जिता रहा, ऐसा व्यवहार में आता है। लेकिन वो कर्म क्या है? कि हम ही उसके कर्मदाता हैं। जैसे कोई आदमी सड़क के किनारे बाएं खड़ा हो या बाएं चल रहा हो तो नियम के अनुसार वो सही है, क्योंकि परिवहन नियम के अनुसार वो नियमों का पालन कर रहा है, वो अपने बाएं रास्ते से जा रहा है, अथवा बाएं किनारे खड़ा दूर रोड से। लेकिन उधर से ऐसा वाहन आया जो एक्सीडेंट कर दिया, या हम किनारे खड़े हैं वहाँ चोट खा गए, तो वर्तमान में हमारी कोई गलती नहीं है। लोग दूसरे जो खड़े हैं देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की गलती नहीं है, ये यहाँ पर था, पर भी वहाँ भी चोट लग गई, वहाँ भी मर सकते हैं। तो वर्तमान में हम सही होने के बावजूद भी उसका परिणाम दुख आ जाता है। तो लगता तो है अमुक ने गलत किया, उसने वर्तमान में उसने गलत किया है, और वो वर्तमान में एक व्यक्ति सही है, पर ये पूर्व के कर्मों का भी फल है। न्यायाधीश जो होता है वो फैसला क्या सुनाता है? वो वर्तमान प्रमाण के अनुसार सुनाता है। लेकिन जो संत महात्माओं की विचारधारा है वो पूर्व के कर्मों का भी फल रहता है। इसलिए हम कभी कभी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, और भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, फिर भी दुख आते हैं। दुख छूटता नहीं है, तो वो दुख कौन सा नहीं छूटता है? वो प्रारब्ध दुख है। प्रारब्ध दुख नहीं छूटता है, पर जो हम क्रियमाण कर्म करते हैं वो हमारे द्वारा कोई ऐसे कर्म नहीं होते हैं जो दुख उत्पन्न करें। जैसे वर्तमान में हमने धान या गेहूँ नहीं बोया तो आगे क्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो पहले से बो के रखे हैं वो तो आज खा रहे हैं। तो हम वर्तमान में बंद कर दिया है तो हमारा जो है वो क्रियमाण कर्म बंद है, प्रारब्ध हम पहले का भोग रहे हैं। तो इस तरह से सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना, और सत्य क्या है? ये जीव है, उसको हमें समझने की जरूरत है। हम सोचते हैं भगवान मिल जाएगा,
या स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग भी मिलेगा शरीर छूटने के बाद मिलेगा, वो अनुभव में आएगा नहीं जीते जी। उसमें गीता में आता है कि श्लोक है कि हतो आप प्राप्त स्वर्गम जितो भक्से महिम उत्तिष्ठ कौनते युद्धाय कृत निश्चया। हे अर्जुन, जब अर्जुन नहीं लड़ना चाहते थे तो कृष्ण ने कहा कि यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग पाओगे, यानी स्वर्ग का राज्य मिलेगा। ये तुम जीत जाओगे तो दुर्योधन का राज्य मिल जाएगा, यानी पृथ्वी का सुख भोगोगे। लड़ाई में कई जगह अर्जुन को परेशानियाँ आई और मौत का सामना करते करते बचे, पर कृष्ण ये नहीं चाहे कि स्वर्ग का राज इनको मिल जाए। तो उनको यही थी कि हमारे जो अर्जुन है उनको यहाँ भूतल का राज्य मिले, यानी दुर्योधन का राज्य मिल जाए, उन पर विजय हो जाए। तो बहुत से व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, पर वो फिर मुड़ करके भौतिक सुखों में पड़ते हैं, भौतिक पदों को चाहते हैं। हम ये बन जाए, अमुक बन जाए और वो बन जाए। हमारे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी सुविधाओं को त्याग करके सन्यासी हो गए। सिद्धार्थ को देख लो, महावीर को देख लो, चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो, जो एक साधारण स्थिति में था और वो राजा हो गया। राजा के बाद में जैन मुनि बन गया, यानी फकीर बन गया। कवि साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़े चला एक बंधा जंजीर। आए हैं सो जाएंगे, कबीर साहब की विचारधारा है कि जो इस संसार में आता है वो जाता है, अमर नहीं है कोई। लेकिन फिर भी हम पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं अमुक अमर है, अमुक अमर है। ये सब केवल पुस्तकों में लिखा है, पर वर्तमान में दिखेंगे नहीं। तो आए हैं सो जाएंगे, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जातस ही ध्रुवो मृत्यु। जन्मे हुए व्यक्ति की मौत निश्चित है, उसको मरना है। आप देखते भी होंगे कि जो जन्मा है उसका शरीर छूट जाता है, लेकिन जिसका शरीर छूट जाता है ये पता नहीं रहता है कि कहाँ जन्म लेगा। ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जन्मे हुए व्यक्ति की मृत्यु आप दावे के साथ कहते हैं कि इसको एक न एक दिन मरना है। इसलिए आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। एक राजा है जिसके पास सर्वाधिक धन है, सर्वाधिक जमीन है, सर्वाधिक पद है, सबसे बड़ा है, वो राजा है। और गरीब होता है, गरीब के पास भी कुछ रहता है, कम जमीन है उससे गुजर बसर कर लेता है, छोटी दुकान है उससे भी गुजर बसर कर लेता है, नौकरी भी साधारण है उससे भी गुजर बसर कर लेता है, और कुछ पशु पाल लिया उससे भी जीवन चला लेता है। चार तरीके से धन प्राप्त किया जाता है, खेती करके, व्यापार करके, नौकरी करके, पशु पाल करके। इन चार तरीकों से धनार्जन किया जाता है। कोई ना कोई एक तरीका अपना लीजिए, जीवन चलने लगेगा। लेकिन जीवन कैसे चलना चाहिए? तो राजा है, उसके पास सब कुछ है ही है, पर गरीब जो है वो भी अपनी कमाई से खाता है और मेहनत से खाता है। पर फकीर जो है वो कैसे खाता है? वो भक्तों के दिए हुए अन्न के द्वारा अपना जीवन चलाता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, स्कूलों में पढ़ते हैं तो माता पिता सारा खर्च उनका वहन करते हैं, बच्चे भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो कुछ समय तक पालन करते हैं, वो विद्या अध्ययन करते हैं कि उनका भविष्य बनेगा। ऐसे संत महात्मा अपने जीवन का सुधार करते हैं, वो पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और आप सब उनका खर्च वहन करते हैं। तो फकीर जो है, महात्मा जो है, वो क्या है? वो भक्तों के द्वारा उनका जीवन चलता है। इसलिए जैसे कुत्ता होता है, उसको भी दो रोटी
दो तो वो भी मालिक की तरफ भौंकता है उसकी रक्षा के लिए। ऐसे संतों का दायित्व है कि वो समाज का वो अन्न खाते हैं, इसलिए आप सबको ज्ञान देते हैं। स्कूल की विद्या जो है वो भौतिक विद्या है, उससे हम जीवन चलाने लगते हैं, पर संतों के द्वारा जो विद्या है वो आध्यात्म विद्या है, उसके द्वारा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन एक आदर्श जीवन हो। और संसार में जो हम शरीर छोड़ते हैं, शरीर तो हर आदमी को छोड़ना है, पर हमारी करनी अच्छी हो। इसलिए मैंने चर्चा किया सत्संग। सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग करना, और वो सत्य है अपनी आत्मा। ये सदा से है, बचपना में भी वही है, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही है, और जन्म के पहले थे आज शरीर छोड़ने के बाद भी रहेंगे, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं हमें बताए ना, तो कहाँ से आप आए हमें क्या पता, पर आए हैं कहीं से, और यहाँ से जाएं बताए ना तो पहुँचेंगे दूसरे जहाँ से आए हैं। पर यहाँ हैं तो आप घर में नहीं हैं, और जब घर में होंगे तो यहाँ नहीं, जन्म के पहले थे और मृत्यु के बाद रहेंगे, पर ये पता नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व है, हम कभी मिटते नहीं। जैसे अभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा तो क्या वो मिट गया? मिटा नहीं, वो अपनी जगह पे काम कर रहा है, और सुबह घूम के आ जाएगा। तो ऐसे हम शरीर को धारण किए हुए हैं, और इस शरीर के द्वारा हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है, लेकिन दुख हम दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संसार में कवि साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, और तब बची हो जब राम है जाने, तब बचोगे जब राम को जानोगे। राम कौन है? सबके हृदय में निवास करता है वो राम है, वो जीव ही राम है। कण कण में राम है, घट घट में राम है, ये दो विचार धाराएं हैं। कण कण में यदि राम मान लोगे तो कहाँ कूड़ा कचरा फेंकोगे, कहाँ लेट्रिन करोगे, और घट घट में मान लोगे तो किसी शरीर पर कचरा नहीं फेंकोगे, और किसी के शरीर पे कोई कीड़ा जा रहा हो वहाँ कोई पेशाब करेगा? नहीं करेगा, सावधान रहेगा, देखता। तो इसलिए हमारे देश के अंदर अनेक मत पंथ संप्रदाय है। कवि साहब ने कहा अद्भुत पंथ बरण नहीं जाएगी, भूले राम भूले दुनिया। एक से एक आश्चर्यजनक पंथों को देखा था, और पंथ के नाम पर लोग भूले हुए हैं, राम भी भूल गए। योग वासिष्ठ ग्रंथ के अनुसार उनको वैराग उत्पन्न हो रहा था, और वशिष्ठ ने शिक्षा दे करके उनको ब्रह्मज्ञानी बना दिया, और वो ब्रह्मज्ञानी होकर के गर्व है। तो इसलिए राम भी भूल गए, अथवा राम के नाम पर लोग भी भूल गए, तो हम सोचते हैं कहीं परमात्मा होगा, कहीं स्वर्ग होगा, कहीं नरक होगा, ये सुनने में अच्छा लगता है और सुनते आ रहे हैं, पर आज तक नहीं पहुँचे हैं न पहुँच पाएंगे। इसलिए सत्संग का अर्थ होता है, और कवि साहब की वाणी है सत्य को समझो, सत्य को पहचानो। आज आदमी देखिए बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े भक्त भी होंगे, और अवतार भी हैं, आश्रम भी कई हैं, शिष्य भी बहुत हैं, धन भी है, ये सब कुछ है, पर सच्चाई नहीं है, अच्छाई नहीं है। इसलिए सच्चाई की ज़रूरत है, सच्चाई व्यक्ति अपने आप में सच्चा रहे और व्यवहार में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करे, तीज ही सत्संग है। इसलिए हम ऐसी जगह बैठे हैं, ये संग ऐसा किए हुए हैं जहाँ पे सत्य का बोध हो। मैंने चर्चा की थी सत्संग पर, आप आज और कल सत्संग सुनेंगे, पर ये भी सत्संग दो दिन का है, फिर क्या? इसलिए अपने अंदर जो सत्य है उसको हम समझें और उसको हम जानें, ये सत्संग है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
अगर सतगुरु जग में आए न होते तो मेरी खबरिया कोई भी न लेते। अगर सतगुरु जग में आए न होते तो मेरी खबरिया कोई भी न लेते। अगर सतगुरु जग नहीं याद आती तुम्हारी कभी भी तो जाती सभी जिंदगी सोते सोते। नहीं याद आती तुम्हारी कभी भी तो जाती सभी जिंदगी सोते सोते। बाड़ी का सर पे लगा था बड़ी थी अविद्या बड़ी थी अविद्या की पट्टी दृढ़ों पे तो रहते सदा पाप ही बोते बोते। बड़ी थी अविद्या की पट्टी दृढ़ों पे तो रहते सदा बुझा ज्ञान दीपक हृदय का हमारे भयानक घनघोर छाया अंधेरा पड़ा था विशुद्ध मोह रजनी में भर
कर शत्रु जाग सोवे सवेरे अचानक गरीबों के रहबर पधारे पुकारे की उठ जाग सोवे सवेरे हुआ झट सवेरा हुआ झट सवेरा खुली आँख मेरी मसीहा का दीदार यो होते होते हुआ जब सवेरा खुली आँख मेरी मसीहा का दीदार यो होते होते हुआ जब आए न होते तो मेरी खबरिया कोई भी न लेते अगर सतगुरु जग में आए न होते तो मेरी खबरिया कोई भी न लेते बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की। अर्चनीय वंदनीय संत समाज सज्जनों एवं देवियों, आज ये कार्यक्रम की सभा भक्तराज राम प्रसाद जी लेखपाल साहब जी के श्रद्धांजलि सभा के रूप में ये सभा लगाई गई। आज का कार्यक्रम खान पान इत्यादि सब सारा कार्यक्रम उन्हीं की याद में उनके सुपुत्र डॉक्टर भार्गव जी के द्वारा यह आयोजन किया गया। वास्तव में वे एक अच्छे भक्त और एक अच्छी सोच वाले अपने बच्चों को विरासत में जो ज्ञान भक्ति संत गुरुजन सत्संग देने का इरादा कर ले और उसके लिए बहुत बड़ी बुनियाद पत्थर की लकीर बना के जाए कि मेरे बच्चों के लिए भविष्य के लिए मेरे गांव के लिए ये विरासत के रूप में पड़ी रहेगी ये शिलालेख हो जाएगा, ऐसी सोच बना करके वे आयोजन करके और व्यवस्था करके गए कि जो आश्रम है उन्हीं की देन है। मैंने सुना है कि वे सोचे कि जीवन भर मैंने कमाया, बच्चों के लिए बनाया घर द्वार जमीन परिवार के लिए, लेकिन मेरा इरादा है अंत में मैं कुछ धर्म कर्म का काम करूं। तो ऐसा विचार जगा उनके अंदर और इस ज़मीन में उन्होंने आश्रम की व्यवस्था की और पूज्य साहेब जी आकर के यहाँ सबको ज्ञान प्रकाश दे रहे हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है। तो भक्तराज की देन है, संतों की ओर से समाज की ओर से बहुत बहुत उनको साधुवाद और सदा ही उनके बच्चे और ये समाज और गांव उनकी यादानुसार उनके मनसानुसार ये फलता फूलता रहे, संत गुरुजनों के द्वारा लाभ लेता रहे। ये विशेष लोगों के अच्छे माता पिता की सोच है कि अपने बच्चों को समाज को विरासत में ये भी संपत्ति देते हैं। सामान्य लोग क्या करते हैं, केवल घर द्वार रुपया पैसा दे के चले जाते हैं और उसी को वो पा करके फ्री फंड जैसे तैसे ज़िंदगी जी के चले जाते हैं। वे सामान्य माता पिता कहे जाते हैं। उत्तम कोटि के माता पिता अपने बच्चों के लिए विरासत में अच्छे संस्कार
और भक्ति भजन धर्म कर्म सिखा करके जाते हैं। तो ऐसे भक्तराज की बहुत बहुत बलिहारी और जय जयकार हो। आइए विचार करें कि ये मानव जीवन मिला है और गए हुए लोगों को सुन करके देख करके हमारे लिए चुनौती है कि नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, रतन का जतन कर माड़ी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। सदगुरु कबीर एक महान वैज्ञानिक संत थे। जैसे भौतिक क्षेत्र में वैज्ञानिक होते हैं, सभी लोग सुने हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे लोग, वैज्ञानिक किसे कहते हैं और कौन कौन विज्ञान होता है? भौतिक जगत में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, बहुत सारा विज्ञान होता है। धर्म क्षेत्र में भी अध्यात्म का विज्ञान, और फिर उसके वैज्ञानिक हैं सदगुरु कबीर। वे आत्म तत्वों के रहस्य को एक एक बताते हैं। बहुत बड़ा यंत्र है उनके पास, पारख। पारख यंत्र के द्वारा कुछ बचता नहीं है, सबको देख लेते हैं, परख लेते हैं और सबको बता देते हैं और उस पर चल के दिखाते हैं। ये उनका बहुत बड़ा आविष्कार था। तो इस तरह सदगुरु कबीर जग जाहिर हैं, कोई ऐसा नाम उनका छिपा नहीं है। और वे एक महान चिंतक थे। जो कुछ उन्होंने 600 वर्ष पहले कहा, आज शिक्षा विभाग और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी कोई काटने वाला नहीं है। धर्म क्षेत्र में तो उनके बिना काम ही नहीं चलता है। इसलिए ऐसे महान पुरुष की छत्र छाया में आकर के सबको जागृत बनना चाहिए और युक्ति से काम लेना चाहिए। और ये जीवन मिला है बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बहुत पहले सुने होंगे। सदगुरु कबीर इसे रत्न और हीरे से संबोधित करते हैं। ध्यान दें, रत्न बड़ा कीमती होता है और इस रत्न का हिफाजत कैसे करना चाहिए, इसकी हिफाजत हमने नहीं किया। अरे रत्न हीरा मोती तो पत्थर है, मनुष्य उसकी कीमत लगाता है, लेकिन मनुष्य की कीमत लगाने वाला कौन है? मनुष्य स्वयं अपनी कीमत को चाहे घटा दे और चाहे बढ़ा दे, अनमोल बना दे और चाहे निरर्थक मिट्टी कीचड़ के भाव बना दे। मानव जीवन में अगर समझदारी है, युक्ति है, अगर ढंग ना जाने, केवल यहाँ ढोंग करते रहे तो जीवन कैसे बिगड़ जाता है, इस पर एक मैं उदाहरण सुनाता हूँ। एक ग्वाला था, ग्वाला जानते हैं, दूध का काम करने वाला एक ग्वाला था। उसके मन में हुआ कि यहाँ पर सस्ता माल है, ज़्यादा रकम नहीं मिल पाती है, तो मैं अब विदेश जाऊँ अपने धंधे को चलाने के लिए। तो अपने परिवार को लिया, बीवी बच्चों को और गाय भी साथ में लेकर के चला गया विदेश। अब विदेश में तो एक भी गाय भैंस नहीं थी, दूध का धंधा ही नहीं जानते थे, दूध खाना भी नहीं जानते थे, नाम भी नहीं जानते थे। अब ये महाशय पहुँचे, अब वहाँ पर उनके पास एक बुद्धि थी, क्योंकि विदेश में विद्या बुद्धि काम करती है। इस सूत्र को याद रखना, विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र, रोग ही औषध मित्र है, मरे धर्म है मित्र, चार मित्र होते हैं। विदेश जाओ तो विद्या बुद्धि रखो, नहीं वहाँ बस इधर उधर करके चले आओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, समय बेकार हो जाएगा। बुद्धिमानी से पैसा कमाया जाता है, धन कमाया जाता है। और घर में रहो तो नारियों का सम्मान करके रहो, ये गृहलक्ष्मी है, घर का, घर की जो सुंदरता है, घर की जो व्यवस्था है, नारियों के बिना नहीं हो पाती है, इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। इनको ये मत समझना कि ये कमाती धमाती नहीं है,
अब हम डॉक्टर मास्टर कलेक्टर हैं, दिन भर कमाते हैं और ये बैठी बैठी खाती हैं। घर चलाना, एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट चलाना है, तो इसलिए इनकी भी कीमत और सम्मान करना चाहिए। तो घर में नारियों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। और रोग औषध मित्र हैं, रोग लग जाए, बीमारी लग जाए तो पंडा ओझा नाउद बैगा के पास मत जाओ, नहीं वो तुम्हारा झाड़ देंगे कस के, और बीमारी उमारी नहीं जाएगी, बढ़ जाएगी। आप क्या करें, दवाई के पास जाएं, संयम नियम करें, डॉक्टरों वैद्यों के पास जाएं, वहां इलाज होगा रोग का और समय से रोग ठीक होगा। सहन भी करना जानो, ये शरीर रोगों की खान ही है, इसमें रोग ही रोग निकलते हैं, इसलिए धैर्य भी रखा करो, सहनशील बनो, घबराओ नहीं, और भजन करके इस रोगी शरीर में भी भजन करके छुट्टी पाओ, दुखों से मुक्त हो जाओ। तो रोग ही औषध मित्र है, मरे धर्म है। मरने पर क्या साथी होता है, धर्म। अगर आपने धर्म कर्म नहीं किया, धर्म की पूंजी सद्गुण की पूंजी नहीं कमाया तो खाली हाथ चले जाएंगे। यहाँ पर खाने पीने सोने घूमने से काम नहीं बनता, ऐसा तो पशु पक्षी भी उछल कूद करके खा पी करके मर जाते हैं। मानव जीवन महान जीवन है, इसमें कुछ काम करो, कुछ नाम करो, कुछ सेवा करो और दुखों से छुट्टी पाने के लिए जीवन मिला है, बहुत बड़ा उद्देश्य और लक्ष्य है। तो ग्वाला साहब विदेश में बुद्धि के बल पर गया एक राजा के यहाँ, बड़ा धनी राजा के यहाँ। जानते हैं गाय के दूध को निकाल करके और पका करके खीर बना ले करके गया, काजू किशमिश इलायची डाल करके बढ़िया मस्त खीर बनाया और बढ़िया सुंदर स्टील की टिफिन में सुंदर ले गया। नए आदमी को देखकर राजन ने कहा, ये कौन है भाई? ग्वाला ने कहा, हुजूर मैं बाहर का इंडिया का आदमी हूँ, ग्वाला हूँ, कमाने आया हूँ और मैं कुछ प्रसाद लाया हूँ। प्रसाद के नाम पर कौन हाथ नहीं फैलाएंगे। प्रसाद का नाम लिया तो बोले, इसमें क्या है? बोले, प्रसाद है। अच्छा, क्या कि खाया जाता है? खोलो भाई देखो। राजा के नौकरों ने जब खोला उसे तो सुंदर सी सुगंधी आई, देखने में बहुत अच्छा लगा। तो चार पांच प्लेटें मंगवा करके थोड़ा थोड़ा डाला गया, तो दो दो चार चार चम्मच थी, अब मुख में डाला गया तो क्या कहें। जैसे आप हलवाई के यहाँ जाते हैं तो वहाँ मलाई खाते हैं, थोड़ा सा गोल गोल, और पानी पीते हैं चार गिलास, तो वैसे ही राजा तो जीभ चाटते रह गए। बोले, बहुत सुंदर था, यह क्या है? ग्वाला ने कहा, हुजूर हमारे इंडिया में एक वृक्ष है चलता फिरता और उसमें यही फल निकलता है। ये नहीं बताया कि गाय है। बोले, चलता फिरता वृक्ष है, उससे यही फल निकलता है। बोले, बहुत अच्छा फल है भाई, ठीक है। इतना प्रसन्न हुआ तो ला करके एक टोकरी असरफी उनको दान में, इनाम में दिया। राजा प्रसन्नम तो गजभूमि दानम। जब राजा प्रसन्न होता है तो थोड़ा मोड़ा नहीं देता, अपनी हैसियत के अनुसार वो दान करता है। इसलिए दान करने वाले भी समझा करें, अपने अपने हिसाब से दान पुण्य करें। देखा देखी नहीं कि पुराना वाला जमाना सिक्का ढूंढत रहते हैं जेब से, एक सिक्का मिले तो थाली में खट से गिराया जाए ताकि चार लोग सुने। तो अब वो जमाना नहीं है, अब अपनी कमाई के अनुसार दान करो, घर के अनुसार दान करो, बुद्धि के अनुसार दान करो, दान से आपको बड़ी प्रसन्नता शांति मिलेगी। तो राजा ने टोकरी भर असरफी दिया, ग्वाला उसको ले जा करके बहुत प्रसन्न हुआ। दो एक दिन बिता करके अब की बार बढ़िया बर्फी बना करके ऊपर से रंगीन सा नारियल बुरादा डाल करके ले गया, पीस बना करके। बोले, ये भी प्रसाद है भगवान, वही वृक्ष का फल है। बोले, फल बदलता रहता है, वो कमाल है।
ऐसे फिर टोकरी भर मिला असरफी, फिर तीन चार दिन बाद फिर ले गया, अब की बार पनीर ले गया, फिर दही ले गया। इस तरह आइटम बदलते रहे। चार पांच आइटम खिलाने के बाद ग्वाला के पास तो ढेरों करोड़ रुपया मानो मिल गया। सोचा तो अब अपने देश को वापस चलना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाने गए थे ना, वहाँ रहने वहने वहाँ की नागरिकता नहीं है, अपने इंडिया में पैसा लेकर लौटना चाहा। राजा को बताया कि हुजूर मैं अब जाने वाला हूँ। बोले ठीक है चले जाना, लेकिन वो वृक्ष हमारे यहाँ दे जाना, हम भी जो फल गिरेगा खाएंगे। तो इस तरह से ग्वाला ने सोचा कि ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत वृक्ष हैं, यहाँ घूमते रहते हैं, उत्तर प्रदेश में तो परेशान हैं, गाय बैल के नाते किसानी बंद हो गई। तो ग्वाला ने कहा ठीक है, हम छोड़ देंगे यहीं एक वृक्ष। तो राजा के एक चहार दीवारी में चारागाह में छोड़ दिया गया। गाय घास चरती रही, शाम का समय हुआ और राजा ने कहा देखो यार, कोई फल गिरा हो तो लाओ खाएं। सिपाही गया बाल्टी ले करके, पात्र ले करके, वहाँ देखा जमीन पर कोई फल ही नहीं गिरा है। शाम का समय हुआ, गाय पल्हा गई, दूध देने का समय हुआ तो हुंकार मारने लगी, कोई मालिक तो था नहीं दुहने वाला। जब गाय का दूध नहीं निकाला जाता है तो फिर अपना क्या करती है, हाँ तो पेशाब करने लगती है, कुछ ना कुछ बोलने लगती है। तो जैसे पेशाब किया तैसे सिपाही जी सोचे ये भी एक आइटम है, बाल्टी में ले लिया। सोचे जब आइटम बदलता रहता है तो ये भी है बदल गया फल, अब ये बिना दूध की चाय जैसे है, सुगंधी तो वैसी नहीं है इलायची जैसी, चलो ले चलते हैं, राजा का माल है, हम तो नौकर चाकर हैं। राजा के पास ले जाया गया और वहाँ राजा देखते हैं यार वैसा तो फल नहीं है जैसा ग्वाला लाता था, लेकिन फल है, इसका स्वाद तो ले ही लेते हैं। एक एक चम्मच लिए तो खारा खारा लगा, बद स्वाद, थूक दिए, बोले हटाओ इसको ले जाओ, दूसरा फल गिरे तो लाना। सुबह का समय हुआ, राजा ने कहा देखो भाई कोई फल गिरा हो। अब की बार जाता है सिपाही नौकर पात्र लेकर के, तो फिर देखता है कि जमीन पर कोई फल नहीं। अब वो परेशान थी गाय, दो टाइम का दूध था, उसे दर्द था, इधर उधर चकर मकर कर रही थी, अब की बार गोबर करने लगी। सोचा ये फिर आइटम बदल गया, उठाया दो तीन किलो पात्र में भरा, सोचा देखने में अच्छा नहीं, सुगंधी अच्छी नहीं, माल लगता है सड़ गया है, लेकिन चलो ले चलते हैं। राजा के पास ले गया, राजा ने कहा ये गजब का भाई वृक्ष है, फल तो बदला लेकिन ये भी लगता है सड़ गया, हटाओ इसको। एक एक चम्मच चेक किए लेकिन फेंके उधर, तो क्रोध आया, लगता है ये ग्वाला धोखा देके हमको जा रहा है, बदमाश को पकड़ो। तो ग्वाला को बंदरगाह पर सिपाही लोग पाए, वहाँ से पकड़ कर लाए, बोला तुम हमारे राजा को धोखा देके जा रहे हो। सिपाही ग्वाले ने कहा नहीं हुजूर, मैं धोखा देके नहीं जा रहा हूँ, जिस वृक्ष का मैंने फल खिलाया था चार पाँच दिन वही वृक्ष है, कहीं हमारे सामने निकाल करके फल तोड़ करके दिखाओ। तब दो टाइम का दूध था गाय के अंदर, तो बाल्टी लेकर के गाय को पहले सहलाता है, झाड़ता है, गाय प्रसन्न हो जाती है और बैठ करके दोनों हाथ से निकालता है ग्वाला और बाल्टी भर जाती है झाग से, सुंदर झाग दूध। राजा देखता है कहन ये तो गजब है, कहन हुजूर ये एक आइटम है, अभी मैं इसको बनाऊंगा कई आइटम, तो ये इसमें छल कपट नहीं है, ऐसा वृक्ष है, ये धोखा देने वाला वृक्ष नहीं है, इसको जैसा चाहो वैसा आइटम बन जाता है। आपने जो कुछ पाया वो फल नहीं है, वो सब रिजेक्ट माल है। बोले क्या है,
हुजूर ये तो मलमूत्र है, राजा इतना शर्माया कि मैं इस नगर का सबसे बड़ा महान धनी ज्ञानी नामी मर्यादा वाला आदमी हूँ, लेकिन बिना जाने बिना समझे बिना नियम के मलमूत्र चखता रहा। बहुत लज्जित हुआ। ग्वाले ने समझाया, हुजूर बिना जाने ऐसे ही होता है, ढंग चाहिए, दूध निकालने का ढंग चाहिए। गाय कभी दूध देती नहीं है, बस आदमी निकालता है मेहनत करके। ऐसे ये शरीर रूपी गाय मिली है सबको, नर नारी दो शरीर मिलती है मनुष्य को। ये मनुष्य के रूप में नर नारियां दो जातियां हैं, दोनों का शरीर मनुष्य है, दोनों कल्याण कर सकते हैं, दोनों महान हैं, लेकिन ढंग जाने तो, अगर नहीं ढंग जानते हैं तो दोनों का शरीर मिल करके ये केवल क्या माल पानी खा खा करके क्या बना रहे हैं, गंदगी बना रहे हैं। अरे दया क्षमा शील संतोष धीर विचार विवेक भक्ति बैराग अनेक फल, एक से एक पौष्टिक फल, ताकतवर फल और खुशी देने वाले आनंद देने वाले ये फल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ना बना करके क्या बनाते हैं, बहुत गंदगी रिजेक्ट माल, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा, ये सब जीवन को नरक बना देने वाले, जीवन को दुखी बना देने वाले, बंधन देने वाले, लोक परलोक में दुख देने वाले, यही तो फल प्राप्त कर रहे हैं। ये सुंदर जीवन प्राप्त करके बिना ढंग जाने बिना युक्ति जाने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। पूजनीय संत समाज, बंधुओं एवं माता बहन, सदगुरु कबीर ने कहा है, संग से सुख उपजे कुसंग से दुख हो। कहाँ है कबीर, कहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो। जिसके लिए साहब जी ने बहुत कुछ संकेत किया, जो इलाहाबाद से साहब जी आए हुए हैं और हमारे पास में जो बाएं बैठे हैं, पहले जो है ये सम्मुखी जो है महान जो है, हम कह सकते हैं जो आज इनको दर्शन हुआ, राम साहब भी मिले और अरविंद साहब का तो कभी कभी मिले, और भी जो साहब जी से जो प्रवचन हुए हैं काफ़ी दिन से बाद में दर्शन हुआ है। ये देन सजनों किसकी है, आया है कपूर जले गंध रही ताकी और करम वासना तस रही बाकी। आज जो संतों का ये समागम मिला, दर्शन मिले, ये देन हमारे लेखपाल साहब जी से। हमने सुना है लेखपाल का भी भंडारा हो रहा है। मैंने कहा कपूर जले गंध रही ताकी, शरीर उनका आड़ हो गया लेकिन उनके जीवन चरित्र की सुगंधी जो है इसका प्रमाण मिल रहा है। आज हमको आपको एकाग्र करने का, साहब जी तो धन्यवाद के पात्र ही हैं, लेकिन हमारे लेखपाल साहब जो थे कोई धन्यवाद के पात्र कम नहीं थे। हम कहते हैं उनको, उनके परिवार को धन्यवाद है, जो ऐसे प्रेरणा जो है उनके जीवन चरित्र की जो है परिवार के हृदय के अंदर जागृत हुई और उनकी यादगारी में ये सब कुछ हो रहा है। एक बात पर यह ध्यान देने की ज़रूरत यह है, नर्तन जो माना गया है सदनों ध्यान देना चाहिए किस मामले में ज़्यादा है, विशेष माना गया है नर्तन, विशेष जो है किस मामले में है, छाजन भोजन मैथुन भय निंद्रा और मोह, ये छह कर्मों में यदि स्त्री पुरुषों की जिंदगी जिनकी गुजर रही है, भले वो अपने को मानुष कहें लेकिन आप जो है नीतकारों के इस विचार पर ध्यान देंगे तो अपने को मानुष कहने के अधिकारी नहीं। छाजन महल मकान और कपड़ों का इंतजाम करना, शरीर का रक्षा के लिए जो इंतजाम किया जाए उसका नाम छाजन।
इस मामले में तुम ज़्यादा नहीं हो, भोजन खान पान के मामले इसमें भी ज़्यादा नहीं हो। यदि इसमें तुम ज़्यादा मानते हो तो अभी बहुत कुछ साहब जी ने बताया है, महल मकान में ना ज़्यादा हो, ना खान पान में ज़्यादा हो, ना विवाह करने में ज़्यादा हो, ना बच्चों को यानी जन्म देने में ज़्यादा हो, ना अच्छा अच्छा खाने में ज़्यादा हो, मैंने बताया, ना जगह ज़मीन में ज़्यादा हो, आपके मकान चाहे सोने से क्यों ना बने हो। यदि आपको सोने से मकान में अच्छा लगता है तो पंछी जो है खरपोश का घोंसला रख लेती हैं और जब सोन बीन करके अपने घोंसले में बैठती हैं तो क्या अपने घोंसले में उनको कम अच्छा लगता है? तो अच्छा लगने का काम बराबर हुआ, तो बराबर हुए कि ज़्यादा हुए? भोजन आपको अपने भोजन में अच्छा लगता है, हम कह सकते हैं तुम्हारी सपनों प्रकार की थाली क्यों ना परोसी रखी हो। कुछ ऐसी पंछी हैं उनको कीड़ा पसंगा खासी हैं और उनको कीड़ा पसंगा मिल गया, तुम्हारी सपनों प्रकार की थाली बिल्कुल बराबर हुए। तुमको अपने खान पान में अच्छा लगता है तो उनको अपने खान में, तुमको अपने बाल बच्चे में अच्छा लगता है तो उनको अपने बाल बच्चे में, तुमको स्त्री पुरुष बन करके अच्छा लगता है तो उनको कोई कमी है? नींद आप लेते हो, नींद वो लेते हैं, कुछ लोग मानते यहाँ से वहाँ तक हमारा चक है, यहाँ से वहाँ तक हमारा घर है, बगैर हमारी आज्ञा से जहाँ कोई कदम। सजनों इसमें भी तुम ज़्यादा नहीं हो, शहरों में देखा जाता जैसे यहाँ से वहाँ तक मानते हमारा चक है, घर है, हमारी हुकूमत है, तो देहातों हम गाँव में देखते कुत्ते मोहल्ला बांटे। तुम यहाँ से वहाँ तक मानते हो हमारा घर है महल मकान है, तो कुत्ते जो हैं मोहल्लों के ऊपर कब्जा किए, इसमें बराबर हुए? कौवा जिस वृक्ष पर रहने लगते दूसरे कौन लगा हो जाए। ये सारी बातों में जो है कोई तुम ज़्यादा नहीं हो। छाजन भोजन मैं सुन भय निंद्रा, तुम्हारे हृदय चंद्र भाव रहता हमारा कुछ बिगड़ ना जाए तो पशु पंछी भी चौकने रहते हैं। नींद आप लेते हो, नींद वो लेते हैं, नींद एक ऐसी अवस्था सज्जनों है, राजा राज भूल जाता है और गरीब गरीबी भूल जाता है। तुमको भी नींद आती उनको भी, बराबर हो। मैं ये कह रहा हूँ किस मामले में ज़्यादा हो। अब ऐसी बातें सुन करके कोई नरनारी है बाबा बिल्कुल पसुने में गंती की नहीं दे हैं, तो अब ये हार किसी को मंजूर नहीं है, तो कोई कहते हैं हमको किसी मामले में ज़्यादा है, तो भाई किस मामले में ज़्यादा हो? तो कह सकते हैं हम कुछ शरीर से ज़्यादा हैं, बलवान हैं, तो बलवान होने के नाते कब्जा किए हुए हैं इनके सबके ऊपर, और जिनसे हम बलवान नहीं कमज़ोर हैं तो हमारे में अकल इतनी है, हमारे में ज्ञान इतना है, अपने ज्ञान के बल से इनके ऊपर कब्जा, ये जीत के नाते कोई नर नारी का बात समझ में आती है? कह सकते कोई मामले में सब ज़्यादा हैं बाबा बिल्कुल पशु ही गणित देते हो, तो कोई मामले में सब ज़्यादा हैं, लेकिन इस मामले में भी ज़्यादा रहे। हाँ ये है तुम्हारे में इतनी जो है तुम दयावान हो, तो चाहे जहाँ जो हो उनको पकड़ करके उन पर दया करते हो और खूंखार जानवरों से बच भी लेते हो। ये अकल तुम्हारे में है, हाथी के पीठ पर बैठे हो, शेरों को अपने यानी अपने कब्जे में कर लेते हो, सरसों गले की माला बना लेते हो। जब दया और निर्दयी हो तो तुम्हारे में इतनी मूर्खता अज्ञानता नालायकी है, ये बेचारे कहाँ जहाँ लुका करके बैठे हैं, है नहीं? तुम्हारी में इतनी बेईमानी बेधर्मी धोखेबाजी दगाबाजी इतनी है, तुम बेईमान भी बड़े हो दगाबाज भी बहुत बड़े हो। कहो बाबा दगाबाज किस मामले में कह दिया? तो मैं मोटा मिसाल दे रहा हूँ जो कठिया लगाता है, ये मोटा मिसाल कौन लगाता है? वो हमारा आपका भाई तो है जो कटिया लगाता है मछलियों को पकड़ने वाला, कितना बेईमान आदमी। बात समझ में आती है, कोई भंडारा के लिए बुलाया जाए और खाने पीने का इंतजाम किया जाए और खाने के पहले ही नौबत हो जाए, बात समझ में आती कौन करता है? हैं? तो तुम बहुत बड़े जो है सज्जन भी हो समझदार और नालायक कितने हो जिसका कोई वारा पार नहीं। कोई कहे बाबा फिर नालायक किस मामले में है? तो कहा जा सकता है जो सल्फाज की कार्रवाई चलती है, फांसी की कार्रवाई चलती है, जहर की खाने की कार्रवाई, ये कौन करता है? ये कौन करता है? कोई पशु करते हैं, पंछी करते हैं, ये मानुष ही करते हैं। तो कहा जा सकता ऐसा करने वाले नरनारी कोई भले मानस माने जाते हैं, तो कहना पड़ेगा कि पक्के नालायक माने जाते हैं। तो बात ये भी कट गई, बात समझ में आती। मैं कह रहा हूँ
नर्तन पानी में तुम विशेष किस मामले में हो, है नहीं? हाँ, कभी कभी चालाकी का मैं प्रमाणित उदाहरण आ गया, जिसका मैं मानुष की चालाकी का उदाहरण दे रहा हूँ। पहले हमारी लड़कई में तो कुल्हुआ चलते थे, कुल्हुआ चलते थे, और मैं जो है कुल्हुआ कतरी बनाए थे, उस पर बैठा भी हूँ, हमको याद है। और अब तो जो है कुल्हुओं से तेल नहीं निकाला जाता है, अब तो जो है मशीनों के द्वारा तेल निकाला जाता है। पहले जो है अपने स्वयं घुमा करके तेल निकालते थे निकालने वाले, और उन्हें बैल को विशेष मचाया जाता था। और अभी जो है बोतल में बैल को लो लिखा है, बैल को लो। तेल गांव में तेलिन थी तो तेल निकालने का काम करती थी, लेकिन उनके पास में बैल था, बैल को मचा करके तेल का निकालने का काम करती थी। एक दिन उनके घर में पंडित जी गए, तेल लेने के लिए गए, तो क्या देखते हैं बैल के गले में घंटी बांधी है। तो पंडित जी के बात समझ में नहीं आई, तो तेलिन से कहने लगे, तेलिन हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तेलिन ने कहा, महाराज तुम पंडित हो, सारी दुनिया को समझाने बताने वाले महाराज हो, हमसे क्या पूछोगे? कहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन मन कुछ पूछने का है। ज़्यादा जब पंडित जी ने कहा तो कहा, पूछो महाराज क्या पूछना चाहते हो? कहा, ये बैल क्या बेचना चाहते हो? कहीं महाराज नाम न लो, जिंदगी का भरोसा यही है, बेचने का नाम न लो। क्या कोई उत्सव में जाता है? कहीं जाने का भी नाम न लो। इनको इसलिए जिंदगी में यही लिखा है, इसी में इतने में रहना है, और निकलना तब होगा जब प्राण शक्ति इनके शरीर से निकल जाएगी, और उसी दिन ये निकाले जाएंगे। पंडित जी ने कहा, फिर उत्सव में जाना नहीं, क्योंकि उत्सव में बैल जब जाते अब नहीं है, नहीं पहले जो है लड़ी अद्धा जो है उसमें बरासे चलती थी, घुंघरू बांधी जाती थी, सींग रंगे जाते थे, उनका बड़ा पोजीशन बनाया जाता, बात समझ में आ रही है। और जब बेचने के लिए लोग लग जाते हैं तब भी जो है रंग से सूंघते हैं, तो बेचना है नहीं और उत्सव में जाना नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, फिर ये घंटी की कौन सी ज़रूरत है? पंडित जी ने पूछा, घंटी की कौन सी ज़रूरत? इतने हम चलना है, बेचना उत्सव जाना नहीं। तेलिन का महाराज का घंटी ये बेकार समझते हो? घंटी बड़े काम की है, ये बैल जो हमारा है बड़ा हराम ज़्यादा है, इतना बड़ा घर हमारा है, पूरे घर का मैं काम करती हूँ, और जब मैं दूर छोड़ करके इसको चली जाती हूँ तो महाराज बैल खड़ा हो जाता है। जब बैल खड़ा हो जाता है तो मैं जान जाती हूँ घंटी बाजना, बैल खड़ा हो जाता है घंटी का बाजना बंद हो जाता है, मैं जान जाती हूँ कि बैल खड़ा है, मैं टोहकार देती हूँ मेरा काम होने लगता है। तो महाराज घंटी बेकार न समझो। पंडित जी ने कहा, तेलिन बैल तुम्हारा खड़ा रहे और मूड़ हिलाता रहे। तेलिन ने कहा, पंडित चाहे नाराज हो जाओ, जैसे तुम बेईमान हो वैसा हमारा बैल बैल इसलिए जो है टाइम ज़्यादा हो गया हो। इसलिए अब बात ये है, ज़्यादा किस मामले में हो? आप कहो किसी मामले में तो हम ज़्यादा हैं, तो पशु पंछी भी कह सकते किसी मामले में तुम ज़्यादा हो, तो किसी मामले में हम ज़्यादा हैं। हम ना भूत मानते, ना प्रयास मानते, ना ईश्वर माने, परमात्मा माने, ना होम अज्ञान कुछ करते हैं, सब सुखी है। और बहुत सी ऐसी बातें कहाँ तक बताया जाए, कुछ मामले में तुम ज़्यादा हो तो कुछ मामले ये कहते पशु पंछी हम ज़्यादा हैं, कुछ तुम्हारे मामले में कोई लज्जा लगती, खिचड़ाई लगती है, बदनामी का डर है, और हमारी मदारसी में भरी बाजार में कोई फिकर। जब आप कहते हो वहाँ जो है, यानी आप जब ऐसा कहते हो, वहाँ लेखपाल की यादगारी में हमारे साहब जी ने प्रोग्राम रखा है, और जो है भाई चलो इनसे कहो, हरहान से कहो, गाइन से कहो, हरहान से कहो, बैलन से कहो, और लकड़ी चौगड़ा सियारन से कहो, बकरीन से कहो, कहो तैयार हो। तब ये विचार कहते थे भाई हमारे हुआ पहुँच तो जीत कहाँ है? यहाँ है। इसलिए किसी महान भाव ने कहा है, जीवन जोवन राजपद और अविचल रहे न कोई, और जो समय जाए सत्संग में सो जीवन फल। अभी हमारे साहब जी ने जो अपनी चर्चा सुनाई है, ऐसी चर्चा का सुनने का मन टाइम निकलता रहे, बंधुओं को इत्यादि माता बहनों का, जिस घर के लोग आए हो, बंधुगण आए हो, माता बहनें आई हैं, अभी चर्चा जो इतनी अमृतमय चर्चा हुई, इस अमृतमय चर्चा का सुनने का टाइम निकलता रहे, जिस घर के प्राणी आए हैं और आए हुए प्राणियों का टाइम निकलता रहे, तो क्या उस घर में जो है सल्फा चलेगी?
ऐसी चर्चा सुनने का मौका निकलता है, क्या उस घर में सल्फात चलेगी, गुटखा चलेगी, शराब चलेगी, मांस चलेगी, वहाँ सास बहुओं में विवाद होगा। बात वही है जो साहब ने अभी समझाया है, क्या बाप बेटे में विवाद होगा, क्या स्त्री पुरुषों में विवाद होगा। ये सब जितने गलत काम हो रहे हैं सत्संग का आधार छोड़ करके ही हो, इसलिए जो है यानी मतलब जो है तुम्हारा जीवन की सार्थकता का विशेषता का प्रमाण ये है जो यहाँ पर आप आए हो। यहाँ टाइम नहीं निकला तो नर्तन पाने का कोई छाजन भोजन मैथुन भय निंद्रा मोह, ये छाकर्म जो है ये पशु कर्म निष्कारों ने माना है। बोलिए सद्गुरुदेव की। वंदनीय संत समाज आए हुए समस्त बंधुओं, भक्तिमती माताओं, प्रिय होनहार बच्चों, ये दो दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम आप लोगों ने बड़े धैर्य और बड़े ही शांत से आप सबने सुना है। हमारे गुरुजनों ने, संतों ने कुछ बाकी नहीं रखा है, लगभग जीवन के सभी पहलुओं पर अपना प्रकाश डाला है। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, दुख क्यों है, दुख कैसे दूर होगा, दुख दूर करने वाला क्या कोई है हमारे ऊपर, इन सब बातों के सब बातों पर लगभग बराबर प्रकाश डाला है और कहने के लिए कुछ है ही नहीं। अब करना है, सुन तो आप चुके हैं, करना है सिर्फ जीवन में उतारना है सुन करके। यह दो दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ है वह हमारे परम जिज्ञास डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव द्वारा हुआ है और आज का जो कार्यक्रम विशिष्ट कार्यक्रम उनके जो पिताश्री का आज ही के दिन साल भर हुआ है, 6 जून लगभग 9 बजे शरीरांत हुआ था सुबह, उन्हीं की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है, जिसमें हमारे इस पुण्यतिथि में दूर दराज से वंदनीय संतों का आगमन हुआ है, दूर दराज से भक्तों का आगमन हुआ है, भक्तिमती देवियों का आगमन हुआ है, सभी सज्जनों का और डॉक्टर के मित्रों का भी आगमन हुआ है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही शुभ है जो सभी लोग इस अंतिम बेला में सम्मिलित हुए हैं। लगभग सभी गुरुजनों ने अपने श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्री राम प्रसाद जी लेखपाल को दे चुके हैं और हम सबसे ज़्यादा उनके नज़दीकी रहे हैं। लगभग मेरा आगमन यहाँ हुआ 1996 में, यहाँ हुआ, तब से और जब तक उनका जीवन रहा है मेरा उनसे संपर्क हुआ है, तब से मेरे में अटूट श्रद्धा उनकी रही। भक्ति तो पहले से थी, उनके गुरुदेव थे श्री दूध साहेब, जो पोरा आश्रम
सदगुरु श्री सुखाई साहब थे, जब हम सन 74 में जब हम बुरहानपुर गए थे, उस समय सदगुरु श्री सुखाई साहब परमहंस जी थे वहाँ पर, वे उनके गुरुदेव थे श्री दूध साहब के। और श्री दूध साहब ही राम प्रसाद लेखपाल जी के गुरुदेव थे। उनके मझले भाई राम अवतार जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी दोनों प्राणी श्री दूध साहब से दीक्षित थे। और जब से वे दीक्षा में आए तो उनका जीवन काफ़ी बदल चुका था, और मेरे संपर्क में आकर के कुछ ना कुछ कहते रहते थे और जानबूझ करके कुछ ना कुछ छेड़ते रहते थे, कहीं राम के विषय में, कहीं कृष्ण के विषय में, कहीं भागवत के विषय में, कहीं पुनर्जन्म के विषय में, कहीं कहते थे साहब आदमी का तो आदमी होता है। जब कभी किसी से कुछ बहस होती थी और कोई कहता था कि भाई मनुष्य कर्मों के द्वारा ही दूसरा शरीर पाता है और पशु पक्षियों में भी जा सकता, कीड़े मकोड़ों में भी जा सकता, उसकी आत्मा जा सकती कर्मों के अधीन होकर, तो वो कहते थे क्या साहब ऐसा हो, ऐसा तो नहीं होता, हम तो मानते हैं कि मनुष्य का मनुष्य ही होगा चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, ये उनका दृढ़ विश्वास था। फिर जब मैं कहना शुरू करता तो वे ढीले पड़ जाते और कहते हैं कि ठीक है आप काफ़ी जानकार हैं, अध्ययन किए हैं, अनुभव आपको है, तो हालांकि वे किसी की बात मानते जल्दी नहीं थे, हाँ उचित बात का आदर करते थे। तो जब से संपर्क में आए हमारे और हमारा उनका संबंध हुआ और अनचीने थे हम यहाँ पर जब आए तो हमें अपने घर के बाहर स्नान के लिए बाहर ले जाया गया, बच्चे से कह दिया कि स्कूल में ले जाओ, पता नहीं कैसे साधु हैं, ये महात्मा बहुत बोलता है, बहुत तेज बोलता है और घंटों बोला करता है, और कैसा है अभी कम उम्र का है, जवान है, और पता नहीं कैसा हो, पहली बार आया है, तो बाहर भोजन देते थे, परोस करके बाहर भोजन दे देते थे। खैर हमें कोई गलान नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हमारी वाणी सुने तो वाणी सुन करके वो काफ़ी प्रभावित हुए, फिर हमें घर के अंदर ले गए भोजन कराने, फिर आंगन में कराने लगे, फिर पूरी तरह से इतना प्रभावित हुए पूरी तरह से, यदि वे क्रोध कभी कर देते थे किसी के ऊपर तो मैं डांट देता था तो चुप हो जाते, इतना लिहाज करते थे। तो ज़्यादा ना कह करके, समय ज़्यादा नहीं, काफ़ी संतों के संपर्क में रहे और संतों के विचारों को वे हृदय में रखते थे। कोई भी संत होता चाहे ज्ञान हो न ना हो, नामधारी ही क्यों ना संत हो, यदि वह बीमार हो जाए, उसके पास अचला नहीं है, कुछ भी चीज़ों की कमी है तो उसकी पूर्ति कर देते थे। यहाँ तक कि कोई गरीब का अगर शरीरांत हो जाता तो वे अपने पैसों से उसकी व्यवस्था कर देते, अंतिम संस्कार के लिए कर देते थे, इतने वे भले थे। और संतों में उनकी अटूट श्रद्धा थी। यहाँ जब से सबसे पहले जब से उद्घाटन हुआ यहाँ सन 1999 में, इसकी नींव पड़ी, और 99 में जब नींव पड़ने के बाद जब यहाँ कार्यक्रम हुआ तो शुरू से वे ही यहाँ पर भंडारा करते रहे हैं, संतों को बुलाते रहे और कहते रहे साहब विद्वानों को बुलाइए, खूब संतों को बुलाइए। और कभी यहाँ माइक की व्यवस्था नहीं होती थी, ये तो पहले नहीं होता था ज़्यादातर, लेकिन हम प्रवचन की प्राथमिकता देते थे ज्ञान की, भोजन चाहे कम हो
अलोना हो, स्वाद न हो, चरफरा न हो, पूरी कचौड़ी खीर हलवा न हो, साधारण भोजन हो, व्यवस्था आप करें, लेकिन संतों के लिए माइक की आवश्यकता जरूर है। एक तखत डाला जाए, मंच बनाया जाए, तो परंपरा हमने छोड़ी यहाँ। फिर मंच से कार्यक्रम होने लगा, कार्यक्रम होते होते फिर बहुत प्रभावित हुए, कहने लगे कि साहब खर्चा चाहे कितना लगे, लेकिन दूर दराज से संतों को बुलाइए और दिल खोल करके बताइए कितना पैसा लगेगा, कितनी विदाई दी जाएगी, कितना पूजा चढ़ाया जाएगा, ये हमसे बताएं। तो हम संकोच बस थोड़ा कह देते थे। हम अगर कह दें कि 100 रुपया, तो वो 50 रुपये तो 100 रुपया कर देते थे। हम संकोच में करते थे, इतनी उदारता उनमें थी। तो ये यहाँ पर कार्यक्रम तब से अब तक द्रुतगत से उनके द्वारा ही होता चला है। बीच बीच में यहाँ आश्रम की तरफ से कार्यक्रम भी होते रहे हैं, लेकिन विशिष्ट कार्यक्रम उनके द्वारा हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे जो उनके सुपुत्र कृष्ण कुमार जी, उनका समस्त परिवार इसी श्रद्धा भक्ति को लेकर के उन्होंने कहा कि हम अपने पिता श्री के अंतिम भंडारे का हम आयोजन करना चाहते हैं कि हम संतों को बुलाए। और मेरे से भार्गव ने कहा कि देखिए भाई, देखिए साहब जी, जितने भी भक्त आते थे पहले उससे ज़्यादा आए और उससे ज़्यादा संत महात्मा आए, यहाँ दर्शन दें हमारे पिताजी के अंतिम भंडारे में ज़रूर आए। तो सबको बुलाया गया। हमने कहा भाई गर्मी पड़ेगी, भारी गर्मी पड़ेगी, भारी धूप होगी, लेकिन कहा आपकी बार कर दें, फिर लौट करके चाहे किसी महीने में करिएगा। खैर ये सब कुछ हुआ, तो उनमें बहुत बड़ी महानता थी। और मैं अब क्या बताएं, हम नहीं चाहते थे कि सज्जन पुरुष धरती से जाएं, लेकिन हम सब लोग विवश हैं, प्रारब्ध पर जीने के लिए मजबूर हैं। कौन चाहता हम जल्दी मर जाएं, कौन चाहता हम बूढ़े हो जाएं, कौन चाहता है कि हम हमारे बाल पक जाएं, हम अंधे हो जाएं, हम बहरे हो जाएं और हम रोगी हो जाएं, हम जल्दी शरीर संसार से चले जाएं? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता है ना, सब जिंदा रहना चाहते हैं। महाभारत की छोटी कहानी है, एक बार कृष्ण महाराज, कहानी थोड़ा जानदार कभी कभी हो जाती है, हालांकि काल्पनिक होती हैं। तो एक कीड़ा बड़े तेजी के साथ भागता हुआ जा रहा था, एक कीड़ा ऐसे ऐसे करता हुआ बड़ी तेजी से, आप देखे होंगे मटमैला कीड़ा होता है, बहुत तेजी से ऐसे ऐसे भागता है। महाराज कृष्ण के लिए एक दृष्टांत आई है महाभारत में कि महाराज कृष्ण ने कहा भाई तुम इतनी जल्दी, तुमको क्या पड़ी है, कहाँ भागे जा रहे हो, क्यों इतनी जल्दी तेजी से भागे जा रहे हो? अरे धीरे धीरे जाओ, इतनी तेजी से कौन जा रहे हो भागते? अरे कहाँ महाराज, आप जानते नहीं तमाम बैलगाड़ियाँ इधर उधर से आ रही हैं और किसी का पहिया मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं मर जाऊँगा। महाराज के स्नेह से कहा अरे तुम कीड़े हो और महा नरक भोग रहे हो तो भी मरना नहीं चाहते हो? कहा भगवान मरना नहीं चाहते। कहने का भाव है चाहे जितना व्यक्ति रोगी हो, दुखी हो, परेशान हो, भगवान से मांगता हो मौत कि जल्दी भगवान करो, भैया हमें कोई मार देता, कोई जहर दे देता, लेकिन अगर झूठ मूठ उसके सामने अगर अपने कपड़े समेटने लगो कि लाओ छुट्टी कर दें, बड़ा भारी नरक है, बड़ा भारी पाप इनके लिए है, तो कहेंगे अरे भैया रहने दो, भगवान जब मारेंगे तो मार देंगे, जब तक है तब तक तो जी लें, देखते रहें। तो दुख में भय बस आदमी कहता है, तो मरना कोई नहीं चाहता है इस संसार में, लेकिन किया क्या जाए, सभी लोग विवश हैं। जो उदय होता है, सूर्य उदय होता तो अस्त होना निश्चित है, जन्म होता तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। चाहे आप वेद मंत्र पढ़ें, चाहे आप कलमा पढ़ें, चाहे आप बाइबिल पढ़ें, चाहे आप गॉड कहें, चाहे खुदा कहें, चाहे राम कहें, चाहे कृष्ण कहें, चाहे भगवान कहें, चाहे गुरु गुरु कहें, कबीर नानक दादू दरिया, कुछ भी जाप आप करें, लेकिन मृत्यु से आप बचेंगे नहीं। चाहे जितना होम हवन कर ले, ये तो धंधा है लोगों का कि भाई जाप 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 हवन करो,
तो मृत्यु तुम्हारी टल जाएगी, मौत टल जाएगी। जाप कर लो। और इस पर बहुत लोग जाप भी करवाते हैं अपने घर की बला टालने के लिए और अपने मतलब दीर्घजीवी होने के लिए, अमृत प्राप्त करने के लिए कि ज़्यादा दिन तक हम जिंदा रहें। तो लाओ पंडितों से भाई जाप करवा लेते, पंडितों से जाप करवा ले। जिंदा हम रहना चाहते जाप पंडित जी करें, मरने हम जा रहे हैं और रोगी हम हैं, दवा पंडित जी खाएं दूसरे लोग खाएं तो फायदा करेगी? हालांकि जाप से कुछ नहीं होगा। मेरे यहाँ पिछले 2 साल के पहले यहाँ पर नीमसार से 2 पंडित आए तो यहाँ देखे आश्रम तो आए, तो 2 आश्रम पर आए तो नमस्कार किए बैठ गए। हमने कुर्सी, मनोज ने कुर्सी दिया, हमने पूछा महाराज आप कहाँ यहाँ कैसे आए? कहा महाराज गांव में हम आए, तो गांव में हमें जाप करना है। तो हमने कहा अच्छा जाप, किसका जाप? तो महामृत्युंजय जाप करना है, महामृत्युंजय जाप करना है कि अमृत प्राप्त करने के लिए मरे न जल्दी, जल्दी न मरे, इसके लिए जाप करने के लिए। तो हमने कहा कितने दिन? कहें 5 दिन तक। तो हमने कहा फिर कितना बड़ा आप लेते होंगे पारिश्रमिक? तो कहा 5,000 केवल लेते हैं 5 दिन के, यानी प्रतिदिन 5,000 जाप करेंगे कि ये मरे ना और ज़्यादा दिन तक जिंदा रहें। लेकिन जाप किए वो जाप करके, तो हमने कहा क्या ऐसा संभव है? कहा महाराज आपसे क्या बताएं, अब आप संत हैं साधु हैं, यहाँ कोई संसारी तो है नहीं, भला मरने से रामकृष्ण नहीं बचे, हमारे बाबा दादा नहीं बचे, तो हम क्या बचे, वो क्या बचेंगे? लेकिन महाराज अब हमको गए नैमिषार ने बुला लाए, तो हमको क्या 5,000 रुपया? हम ज़्यादा कहे तो हम कहा संकोच करें ना बुलाए शायद तो भी वो 5,000 प्रतिदिन देने के लिए कहे तो हम कहा चलो अच्छी बात है, मिल रहे हैं तो भगवान दे रहे हैं तो क्यों न ले। और महाराज मरने से कौन बचेगा? लेकिन करवाते तो हम करेंगे, हमको क्या करना है, जाप कर देंगे, अपनी ओठ चलेगी चाहे कुछ करते कहें अपना कहा महाराज सच कहते हैं, तो जानते हैं पंडित जी, सब लोग जानते हैं, तो इसलिए बचने वाला कोई नहीं है कि कोई जाप कर दें या हम कोई होम हवन कर दें तो हम मृत्यु से बच जाए। तो मृत्यु से कौन बच सकता है? हाँ इलाज दवाई करते रहो, ये जरूरी है। प्रारब्धवश तुम्हें दुख मिला है, रोग आया, बीमारी आई है, तो इलाज जरूर करो, छुमंतर के पीछे ना पड़ो। और कभी छुमंतर पर विश्वास नहीं करते थे भैया राम प्रसाद जी, दवाई करते थे, कभी किसी को बीमारी हो तुरंत कहते थे दवाई करने के लिए ले जाओ। मेरे यहाँ संत महात्मा आते सब यही कहते हैं, छुमंतर के चक्कर में न पड़ो, गंडा जंत्र के चक्कर में न पड़ो, ये तो ठगने खाने का धंधा है मात्र, और कुछ नहीं है, ये कहते रहते थे। तो उनकी महानता पर हमें गर्व है और हम उनको भूर भूर जो है कोट कोट जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, हम उनको बहुत बहुत अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा जहाँ भी हो और उन्हें शांति मिले और वह पुनर्जन्म हो तो फिर हम संतों को मिले। और निश्चित बात है भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच ग्रह उतरे हो संत का संत, ये संतों की वाणी है कि हमारी भक्ति का बीज कभी पलटेगा नहीं, निश्चित है हमारे अपने कर्मों के किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए आइए हम सब लोग ध्यान दें, भक्ति भजन जरूर करें, संतों की वाणी अपने जीवन में जरूर उतारें, तभी हमारा कल्याण होगा। तो जो कुछ हमारे संतों ने बताया है, प्राणियों पर दया करो, क्योंकि हम दया चाहते हैं। जब अभी उदाहरण दे गए कि कीड़ा बोलेगा क्या बेचारा, महाराज महाराज क्या कहेगा, लेकिन समझाने के लिए कहानियाँ होती हैं ना, समझाने के लिए होती हैं जो सटीक बैठ जाती हैं कभी कभी। तो सभी जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए भगवान महावीर का सूत्र है जियो और जीने दो। तुम जीना चाहते हो तो जीने दो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यहाँ कितने लोग बैठे होंगे
एक बहन नहीं आई है और निमंत्रण उनका था लेकिन आई नहीं है किसी कारणवश यहाँ बिस्मा से। कौन? संगमित्रा। संगमित्रा विद्वान हैं, पढ़ी लिखी हैं, योग्य हैं और कभी कभी उनका भाषण बहुत तेज तर्रार रहता ही है। अन्य नेतागण भी आजकल कहते हैं, तमाम मीटिंगों में लोग कहते हैं कि हमें अधिकार अपने चाहिए, हमारे अधिकार हमको दो, हमारे अधिकार छीने गए हैं। गरीब लोग चिल्लाते हैं ना, दलित वर्ग के लोग चिल्लाते हैं, लेकिन दलित वर्ग लोग या जो लोग अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं वे कितने प्राणियों के अधिकार को जीने की जिंदगी के अधिकार को छीनते हैं, इस पर क्या कभी विचार किया है? कितने प्राणियों के अधिकार को छीनते हैं, उनको जीने नहीं देते हैं। केचुआ मिट्टी खाकर जीता है तो भी जीने नहीं देते हैं। मछली टट्टी और मुर्दे सड़े गले खा करके जल में जीती है, उसको जीने नहीं देते, उसको जल में जीने का अधिकार नहीं देते हैं। आपको अधिकार चाहिए ना, उनको नहीं चाहिए अधिकार। हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जितने संसार में प्राणी पैदा हुए इस धरती पर उनको सबको जीने रहने का सांस लेने का सबको अधिकार है और यही संत कबीर चाहते थे। तो सब प्राणियों पर दया करो, नहीं तो माफ कोई नहीं करेगा। याद रखिए, माला जपिए चाहे तस्बीह जपिए, चाहे होम हवन करिए चाहे भागवत सुनिए। पंडित जी तो खूब कहते, पाँच दिन अभी चार दिन पहले, पाँच दिन पहले यहाँ ब्रह्मदेव के यहाँ हमारे यहाँ भागवत हुई है और शायद मैंने निवेदन भी किया कि महाराज यहाँ इस हमारे पेड़ में इसमें न लगाइए आप हारन, लेकिन वहाँ कहीं नहीं बंद है, बड़ा पुण्य का काम करते हैं और हम हार्ट के पेशेंट हैं। निवेदन डॉक्टर ने भी किया, निवेदन उनसे किया, लेकिन चार पांच हारन मेरे पेड़ में बांध करके इतना कान फोड़े कि कोई भी आता था सांस लेना दुश्वार पांच दिन कर दिया। बहुत बड़ा पुण्य कमाते हैं ना, पुण्य कमाया जाता है? आप सोचिए पहले, पुण्य कमाया जाता है? लेकिन पांच दिन में एक भी बात नहीं निकली कि सबरी ने भक्ति किया था, राजा शिव ने एक प्राणी के लिए अपना प्राण दे दिया था, अपना जीवन ताराजू पर तोल दिया था, यह श्रीमद् भागवत में है। लेकिन यह कहानी भागवत में नहीं कही जाएगी, भागवत के पीरियड में भगवान विदुर घर में साग खाए थे, सबरी के जूठे बेर खाए थे। तुम जूठे बेर बाबा ना खाओ तो साफ सुथरा हाथ के जल तो पी ही सकते हो, तुम जूठे बेर ना खाओ, विदुर जैसे दासी के पुत्र के यहाँ न खाओ बाबा, तो कम से कम साफ सुथरा व्यक्ति के हाथों का जल तो पी सकते हो ना। पंडित बूझ पाणे बूझ पियो तुम पानी, साहब कहते पंडित जी एक से पानी मांग लिया, कहीं कबीर साहब टहलते होंगे? वो तो गांव गांव की खोर गलियों गलियों में घूमते, जानबूझ करके चौराहों पर भीड़ में जाते थे, गलियों में घूमते थे और सुन लिया किसी से पंडित जी प्यासे थे, और पंडित जी प्यासे थे तो कहा कि भैया पानी लाओ, तो पानी लेकर के वो व्यक्ति आया तो कहा किस जाति के हो? अब नहीं पूछा लुटिया मांझी है कि झूठी है, पानी कहाँ का नापदान का है कि तालाब का है नाली का है, शुद्ध है कि अशुद्ध है, नहीं जात बता दो, पानी चाहे कहीं का हो, मानो जात पीना है, आदमी को पी जाना है। बर्तन पूछो जल पूछो शुद्ध है, उसके हाथ शुद्ध है। और साहेब इतना तेज तर्रार कहने में थे, पांडे बूझ पियो तुम पानी, तो पानी बूझ करके पानी पीते हो, जाति पूछ करके पानी पीते हो, यही पढ़े हो काशी में, यही वेद में शास्त्र में यही कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान दें पहले। और विश्राम सागर में वो तमाम जगह सब कथाएं आए हैं कि 33 कोट रहे दिज भूरी, सूपच बिन मक भई न पूरी। अब 33 कोट क्या होंगे,
लेकिन कोट का मतलब 33 कोट यानी 33 प्रकार के ऋषि मुनि ब्राह्मण वेदाचार्य और आदरणीय व्याकरणाचार्य 33 कोट के होंगे, 33 प्रकार के होंगे, लेकिन यज्ञ पूरा युधिष्ठिर का नहीं हुआ। और यज्ञ पूरा किनके हाथ का हुआ कि जो सूप बनाते थे, डाउरी बनाते थे, बेना बनाते थे, तो बांसों को फाड़ फाड़ करके और लोगों को नई चीज़ बना बना करके, किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे और बना करके देते, बक्सोर उसे कहते, बांस फोर कहना चाहिए, बांस को फोड़ते थे, बनाते, उसे धनुक भी कह देते हैं, कहीं धनकार भी कह देते हैं, कहीं डोम भी कहते हैं, भंगी भी कहते हैं, तमाम तरह के शब्द दिए गए उनको। और बाद में मेहतर भी कहा गया, अंग्रेज आए तो मिस्टर भी कहा गया, मेहतर मिस्टर बेहतर मेहतर मिस्टर मिस्टर अंग्रेजी में मिस्टर हो गया। मिस्टर कहते आप सोचे, कहिए मिस्टर, कहिए मिस्टर। अक्सर ये होता है ना, आपस में ये दोस्त मिलते हैं तब, या कोई व्यवहारी मिलता है तब लोग ऐसे कहते हैं, कहिए मिस्टर। तो मेहतर मेस्तर मिस्टर तो इस तरह तो व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता है। आप सोचिए, ये सभी लोग जानते हैं, मूड़ से कोई पैदा नहीं होता है। ये कहते दिया गया अथर्वेद में, महा मुखमासीद बाहु राजे निकृता गुरु यदस्य यदवस्य पदाभ्यम सुदरो जाए, ये कह तो दिया गया है, लेकिन क्या कहीं होता है? क्या इस तरह कहीं मिलता है? इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है प्रकृति की तरफ से, कुदरत में। अरे न हो हिंदुओं में तो कम से कम ईसाइयों में, मुसलमानों में, यहूदियों में तो होना ही चाहिए, लेकिन उनमें भी नहीं है। और ये भी व्यवस्था नहीं दी गई कुदरत ने, या किसी खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने नहीं दिया है कि भाई छोटी छोटी कौम के लोग 10-10 महीना तक सड़ते रहे गर्भ में, उल्टा टंगे रहें, शीर्षासन करते रहें, लेकिन पंडित जी 10-20 दिन रहें, बड़े हैं ना ज़्यादा, तो 10-20 दिन रहें लटके केवल, और इनके थोड़ा नाक मुंह इधर उधर लगा दिया जाए, 2 आँखें और विशिष्ट लगा दी जाए पीछे भी देखने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान दें, आप सोचिए, हम विशेष विस्तार में न जा करके, मानव जाति एक है। हाँ, जिसके कर्म शुद्ध हैं वो अशुद्ध है, जो महान, जो जिसके कर्म आचरण महान है वो महान है। और ये वेदों में, शास्त्रों में सब जगह कहा गया है। आप ध्यान दें, महाभारत में भी कहा गया है, जितेन्द्रिय धर्म प्राध्य स्वाध्याय निरता सूची काम क्रोधो वसुस्या तम देवा ब्राह्मणम वेदो। और जब मैं इस तरह बोलता हूँ तो मेरे पास में और इधर उधर लोग कहते हैं, बाहर सड़क पे कहते हैं, यहाँ जो बाबा गुरुवचन है ना, वो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, वेद साध की निंदा करते हैं। वो कहते जितेन्द्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता सूची काम क्रोधो वसुस्यातम देवा ब्राह्मणम वेदो। तो जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, जितेंद्रिय है धर्म पर, धर्म में परायण है, स्वाध्याय निरता सूची, जो स्वाध्याय है तन मन वाणी से सूची, पवित्रता उसमें हो, कर्मों की वाणी की, मन की, हृदय की जिसमें पवित्रता हो, तम देवा ब्राह्मणम विदुः, ये लक्षण जिसमें हो वो हो सकता, चाहे नट का लड़का हो, भंगी का लड़का हो। और ये वशिष्ठ महाराज तो खुद ही कहे हैं कि जन्मना जाते शूद्र संस्कार है जिद्दी जो उच्चते हैं, वेदाभ्याति भव्यति विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। गोस्वामी जी को भाई बुरा लगा, उन्होंने कहा वादह शूद्र दिदंसन, हम तुम ते कच घाट, अरे ब्रह्म जो जाने विप्रवर आँख दिखावे डाट। आजकल के ये सब कबीरपंथी बन गए, ये सब बन गए ना, शब्दी साखी दोहरा कह कथनी आख्यान,
भक्ति निरूपण ही अधम कवि निंदा ही वेद पुराण। खुल करके नहीं कहा, लेकिन गोस्वामी जी भी बढ़िया संत रहे, लेकिन कबीर साहब को जरूर जरूर कुछ गाली पहना दिए थोड़ी बहुत कि वादे ही सुधर दी दर्शन। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे सब प्रिय हैं सब, न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है। आप सोच ले, महर्षि वशिष्ठ कहते जन्मना जायते शूद्र है, जन्मत शूद्र मुएपुन शूद्रा। शायद साहब भी ये पढ़ लिए हों या उनका भी अनुभव ऐसे रहा हो और रहा है। तो न जन्म से कोई नीच है ना कोई जो है कर्म से, बल्कि जन्म से नहीं कर्म से ही, जन्म से कोई ऊंच नीच नहीं है। तो मेरा और संतों का कोई विरोध नहीं है किसी जाति वर्ग से, जाति वर्ग कुछ होता ही नहीं, जाति का अर्थ होता है जन्म लेना। इसलिए चाहिए कि हम सब लोग प्रेम से रहें, सब लोग आपस में मिलकर के चलें, चाहे गोरे हों चाहे ठिगने हों, लंबे हों काले हों सांवले हों गेहुए रंग के हों, सब अपने हैं, सब जो है पराये नहीं है। एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मिल करके चलना चाहिए, किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार सबसे ज़्यादा पाप है, अहंकार सारी बुराइयों की जड़ है। इसलिए पद का और अपने जो है धन का, अपने जो है कुल का और अपने जो है बल का, अपने ज्ञान का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सबको चाहिए कि हम सबके अंदर एक जो है क्या है कि सब घट मेरा साइयाँ, तो सब घट में साई है यानी प्रभु है। जो आत्मा बोल रही है, जो चेतन आत्मा, वही प्रभु है और वो प्रभु तुम हो निश्चित। ये देवियाँ बैठी हैं, देवी ही ये देवी हैं, साक्षात देवी हैं, आप लोग साक्षात देवता हैं, देवी और देवता हैं। यही कबीर साहब का सिद्धांत है और यही संतों ने बताया है। तो भाई सबके ऊपर दया करना है, सबके सबके साथ में शुद्ध व्यवहार करना है, प्रेम का व्यवहार करना है, किसी के प्रति घृणा न करो, ब्राह्मण समझकर किसी से ईर्षा द्वेष न करो कि अरे ये ब्राह्मण है। बहुत लोग ब्राह्मण सुन करके नाक भौं समेटते हैं। मैं कितने लोगों को मैं अपने कान से सुना हूँ, मैंने कहा कि ये किताब पढ़ा करो। और मैं एक बार एक आश्रम में गया, वहाँ एक बेचने के लिए लाया था पुस्तकें तमाम। मैंने कहा क्या आप इलाहाबाद की पुस्तकें नहीं बेचते? तो कहा अरे उसकी वो अभिलाष, वो ब्राह्मण, वो पंडित। तो हमका देखो, यानी जाति से इतनी घृणा, इतनी नफरत, चाहे वो परम ऋषि बन जाए, परम महाज्ञानी, परम महात्मा, लेकिन तो भी जाति से जलना, घृणा करना, द्वेष करना, तो तुम्हें न बुद्ध तार सकते हैं, न महावीर तार सकते हैं, न कोई भी तार सकता, कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है। चाहे आप चीमर पहन ले, चाहे आप ये कफन पहन ले, चाहे कोई भी कर्म करें, जब तक घृणा ईर्षा द्वेष हमारे हृदय में जाएगी न हृदय से, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए सत्कर्म करो, भक्ति और भजन करो, आहार की शुद्धता करो। संतों ने बताया है कि गंदे आहार विहार छोड़ो, सब जीवों पर दया करो, गंदे आहार विहार छोड़ो, शराब पान मांसाहार प्राणियों की हत्या ये करना छोड़ दो, छल कपट मिलावटबाजी धोखाधड़ी ये ना करो। किसके साथ करोगे? किसी के साथ ना करो, और सबके साथ और सब लोग मिल करके चलो। बुझ बुझ पंडित बिरवा न होए, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। साहब कहते हैं कि सब आधे, यानी जो माताएं बैठी हुई है साक्षात ये लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती बच्चों को स्वर देती हैं, और बच्चों को ये स्वर न दें तो शायद हम लोगों को स्वर न मिलता। ये मम मम, पापा पापा, मामा मामा, दादा दादा, नाना मौसिया, काका, जल पानी, ये हमें न सिखाती है, ये सरस्वती स्वर न देती तो बच्चा पशु की तरह हो जाता, बोलना वाणी का उच्चारण ही नहीं सुनता। तो ये वाणी वादिनी, ये सरस्वती देवी बैठी हुई, आप लोग भी देवता हैं, ध्यान दीजिए। ये संस्कार आप अच्छे बच्चों को दीजिए, यही संतों ने सिखाया है। तो इनको
जो है आप सब लोग मिल करके चलिए, आप ब्रह्मा और ब्रह्मानी हैं, सृष्टि के रचना करने वाले आप लोग हैं, ब्रह्मा ब्रह्मानी ऊपर नहीं है बल्कि ब्रह्मा ब्रह्मानी साक्षात आप ही हैं, चौबीजी नाथ ऊपर नहीं है, चौबीजी नाथ महाराज तुम्हें जानो लोग कहते हैं ना, लेकिन चौबीजी कौन है, दो भुजा पत्नी के दो भुजा पति के होते हैं ना, तो दोनों दो दो भुजाएं मिलकर सृष्टि की रचना करते हैं ना, तो चौभुजी नाथ नहीं हुए ये चौभुजी ना, आप लोग दो इनके दो आपके, तो चौभुजी नाथ नहीं हो गए, चौभुजनाथ बाहर थोड़ा गए, इसलिए चौभुजी नाथ के लिए न भटकिए कहीं, समझे, ध्यान दीजिए, तो इनके ऊपर अत्याचार न कीजिए, कहीं दहेज के लिए, कहीं बच्चे नहीं होते हैं तो कहीं लड़की लड़की होती हैं, ये अत्याचार लोग करते हैं, अत्याचार करने वाले भी बड़े धर्मी नेमी है, ऐसी बात नहीं, व्रत रहते नौ दिन, व्रत रहते माता का व्रत नौ दिन रहते हैं, माता का ना व्रत नौ दिन रहते, लेकिन घर में जो माताएं हैं, जो घर में देवियां हैं, उनके ऊपर कितना अत्याचार होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में सब कुछ हो जाता, बिगाड़ हो जाता, छूट छुड़वा हो जाता, पंडित जी गांठ भी बंधवाते कि गांठ छूटे ना, और खूब शोध करके लगन धरी जाती है, ऐसी बात नहीं, खूब संशोधन करते, खूब गुड़ा भाग करते, उंगरी मिलाते, नक्षत्र मिलाते, बघवा बरन, बिलैया बरन, मुसवा बरन, ये मुसवा बरन, बिलैया बरन, ये आदमी होते हैं, भला मुसवा बरन, बघवा बरन, बिलैया बरन आदमी होते हैं, लेकिन सब ऐसे घुघुआ बने सुन रहे हैं, पंडित जी आए भाई बढ़िया, देखो बरन विचार कर रहे हैं, बरन विचार रहे हैं, आप सोचो पहले हम लोग कब तक ये से जो है कब तक अज्ञान दशा में भटकते रहेंगे, वर्ण विचारते हैं, ये बघवा बरन बिलैया बरन होते हैं, तो इस झंझट में मत पड़िए, ठीक है ना, विस्तार में नहीं जाएंगे, तो आप सुमत से रहिए, प्रेम के साथ में रहिए, मेल मिलाप से रहिए, तभी घर आपका बढ़िया स्वर्ग रहेगा, संपन्न रहेगा, तो दहेज के लिए या किसी कमी के लिए, रोग बीमारी के त्रुटि के लिए आपस में मार धड़ न करिए, गाली गलौज न करिए, नहीं तो ये बच्चे आपस में लड़ेंगे, खुराफात करेंगे, सृष्टि बेकार होगी, घर नर्क हो जाएगा, जिंदगी बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिए, दहेज एक बहुत बड़ा रोग है, इसका विषय नहीं, लेकिन अब समाज है, कब आप मिले, कब हम मिले, लौट कर मिले ना मिले, कोई ठिकाना भरोसा नहीं है, लेकिन थोड़ा कह देते हैं, क्षमा करेंगे हमारे गुरुजन संत, बड़े टाइम थोड़ा हो जाए, एक दहेज पर थोड़ा कह देते हैं, एक बढ़िया सी कविता लिखी गई, एक समधी जी अपने दामाद से बोले, क्या बोले थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग, एक समधी जी अपने दामाद से बोले, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए, शर्माइए नहीं, बेहिचक फरमाइए, एक समधी जी अपने दामाद से बोले, तुम्हें दहेज में क्या चाहिए, शर्माइए नहीं, बेहिचक फरमाइए, इतना सुनकर दामाद जी मन ही मन मुस्कराए, मानो बिन बागे मुराद मिल गई हो, और फिर बोले, हमें चाहिए टर, हमें चाहिए टर, मोटर, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, हो सके तो रोबोट, कंप्यूटर, इतना सुनकर समधी जी अंदर गए, कुछ चीज़ें लाकर बोले, सुनिए मिस्टर, लीजिए लाइटर, जलाइए चूल्हा, पकाइए मटर, खाइए चटर पटर, साथ में दूंगा अपनी डॉटर, हाथ में होगा उसके हंटर, बोलिए मिस्टर रिश्ता मंजूर है, इतना सुनकर समधी जी इतना तेज भागे जैसे स्कूटर। तो इस तरह से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ज़्यादा विस्तार में ना जा करके
बल्कि जो है देवियों का आदर कीजिए, आप देवता हैं, ये देवियां हैं, और मिल करके संसार में बढ़िया प्रेम से रहिए। स्वर्ग है, स्वर्ग धरती पर है, आसमान में नहीं है। ये तो आसमान में एक झांसा देना है कि प्रभु तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, प्रभु की भेड़ियों में तुम शामिल हो जाओगे, प्रभु तुम्हें स्वर्ग का राज्य देगा। महा झूठ, कोरा झूठ है। इस झूठ में मत आना कभी कि प्रभु तुम्हें स्वर्ग का राज देगा। जो लोग ये बात कहते वो नरक क्यों भोगते, वो क्यों नहीं चले जाते सब कुछ छोड़ करके स्वर्ग में, आप ध्यान दीजिए। तो ऐसा मत सोचिएगा, मेहनत करिए, खूब कमाइए, पढ़िए लिखिए, बच्चों को पढ़ाइए, साफ सुथरा रहिए, ठीक ठीक खाइए, शुद्ध खाइए, अशुद्ध खाना पीना छोड़िए, बच्चों को सही शिक्षा दो और सही विचार दो, तभी ये मानव जीवन शुद्ध रहेगा। तो दया करुणा मानवता ही धर्म है, मानवता नहीं है तो धर्म भी कुछ नहीं है। साहब कहते जहाँ दया तहाँ धर्म है। जितने यहाँ आए हैं, मैं थोड़ा भक्तों को ज़रूर कह दूँ, मैं देखता हूँ कि जो भी हमारे भक्त आए हुए हैं, तो बहुत ऐसे भी भक्त हैं जो थोड़ा ध्यान नहीं देते, संतों को नमन करते तो किसी का सिर झुकता नहीं है, तो किसी का कुछ होता है कि खड़े खड़े अपना पैर छू लेते हैं, तो पैर कहने के लिए कहीं कमर ही छू लेते हैं, कहीं गांठे ही छू लेते हैं, कहीं ऐसे ऐसे कर देते, उलझ देते हैं, झाड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चरण पूज्य होते हैं ना, पंडित जी से भी कहा जाता पंडित पाए लागी, भले ही मूड़ से पैदा हुआ हो कोई बड़ा हो, लेकिन कहा क्या जाता पंडित पाए लागी, यानी पैर में लगे, पैर छुए, तो चरण माता पिता गुरुदेव के चरण ही पूज्य होते हैं। इसलिए चरण की धूल अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। मैं गया था संस्कृत महाविद्यालय गीता कुटीर, स्वामी गीतानंद उस समय थे, तो वे बैठा लेते थे पास में और पूछते थे, और वहाँ लिखाते थे, हाँ साधु की जात लिखी जाती है और कुछ नहीं, जाते और कुछ नहीं, साधु कौन जात, साधु। वहाँ के अध्यापकगण होते थे संस्कृत विद्यालय के पढ़ाने वाले, तो संस्कृत में जब पढ़ाने के लिए आते थे संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते थे कि धोती कुर्ता टीका लगा कर, धोती कुर्ता पहन करके, और वही गुरु जी जब इंग्लिश पढ़ाने के लिए आते थे तो पैंट शर्ट अंग्रेज बनकर आते थे, मतलब वही टीचर। तो हम कहे गुरु जी आप बदल देते भेद, तो कहा देखिए भाई स्वामी जी, वो स्वामी कहते हैं, हमने कहा भाई स्वामी, हम कहा रंगे कपड़े पहनते थे ना उस समय में, सदगुरु अविलास साहब पहली बार गए थे हरिद्वार में कुंभ मेले में, तो हम गए थे, साहब भी थोड़ा मेरे को समझे कि सब लोग सन्यासी हैं, तब हम साहब से बताए थे अपना पूरे परिचय, जब पहली बार टीका किया है साहब बीजक का। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ कम से कम दो दो तीन तीन सौ महात्मा रोजाना सन्यासी भोजन करते हैं उनके हॉल में, और बढ़िया सदगुरु कबीर साहब के भजन लगा दिए जाते हैं, कैसेट स्वामी जी लगवा देते थे और बढ़िया भजन होते थे, सन्यासी भोजन आनंद से करते थे, और ये आज तक क्रम वैसे ही चल रहा है। मैं कई बार गया वहाँ देखने के लिए बार बार, और वही क्रम चल रहा है। धन्य है ऐसे प्रभु, धन्य है ऐसे स्वामी संत, धन्य है ऐसे भक्त धर्मात्मा जो साल साल भर दाल देते, साल साल भर घी जलाते रहते हैं, गायों को चारा देते साल साल भर करके, इतना दान करते हैं। तो वहाँ सेठ आए कलकत्ता के, तो उनके पैर हाथों को मैंने देखा, शरीर को लगता है कि पूरे शरीर की खाल उतार ली गई, इतने गोरे, इतने साफ सुथरा, अच्छे घर के, वे लोग चप्पल जूता निकाल करके लाइन से खड़े हो गए। तो जो चप्पल जूता निकाल कर महात्मा सन्यासी गए थे उधर अंदर में हॉल में गए थे भोजन करने के लिए, तो उनके चप्पल जूतों को अपने रूमालों से जवान लड़कियां पढ़ी लिखी हाई फाई लड़के और सेठ साहूकार उनकी पत्नियां अपने रूमालों से झाड़ झाड़ करके अच्छे साफ कपड़े से उनके संतों के जूते चप्पल झाड़ झाड़ करके उधर से निकलना है। गीता कुटीर का जो है गेट पूरब की ओर है, तो लोग पश्चिम की ओर जाते थे हॉल में भोजन करने के लिए सभी संत। तो जब पश्चिम की ओर पूरब की ओर जब संतों को आना था, तो लाइन से वो चप्पल जूता झाड़ झाड़ करके पढ़े लिखे हाई फाई धनमान अरबपति लोग
उनकी लड़कियां, उनके लड़के साफ साफ कर करके मतलब उनके जूते चप्पल सन्यासियों के संतों के और लाइन से लगा दें कि उनको कष्ट न हो बदलने के लिए, आए उधर से पहन लें अपने अपने, फिर वही जूता चप्पल के जो झाड़े हुए कपड़े हैं मैं अपनी आँखों का देखा बता रहा हूँ, एक साल नहीं रहा हूँ कई साल रहा हूँ, तो वो वही रूमाल अपने मस्तक में लगाते थे, मस्तक में लगाते थे, ऐसे ऐसे लगाते, ऐसे ऐसे चूमते, ऐसे ऐसे हाथ, और लाइन से खड़े हो जाते थे, जब सन्यासी निकलते थे तो ऐसे झुक करके लाइन से प्रणाम करते थे, आपने देखा या देखते। लेकिन हम थोड़े धन में, हम थोड़े बूटर सूटर वाले हो जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो गुरु को नमस्कार नहीं करते हैं, झुकते जल्दी नहीं हैं, प्रणाम जल्दी नहीं करते हैं, औपचारिकता निभा देते हैं तो कमर ही छू लेते हैं, गांठी ही छू लेते हैं, जांघें छू लेते हैं, और बहुत समझदार जो बुद्धिमान जो हैं वो भक्त भी हैं सब हैं तो चरण छू लेते हैं। हालांकि कबीर पंथ में बताया जाता है कि बैठ करके बढ़िया कायदे से हाथ जोड़ करके, हाथ रख करके ज़मीन में या नीचे कपड़ा भी रख लें तो बाकायदा बढ़िया तीन बार वंदगी हम कर लें कि तीन ताप हमारे नष्ट हो जाए, गुरुदेव दैहिक दैविक और भौतिक तापों से हमें मुक्ति मिल जाए, हमें भर भर करके अंजुलि हमें ज्ञान दें, आशीर्वाद आप दें, हमें और धन नहीं चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कोई दुनिया का राज नहीं चाहिए, बल्कि अमरत्व ज्ञान, अमरत्व प्राप्त करने के लिए, अमर पद प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें, हम आपसे भर भर करके अंजुली ज्ञान की याचना करते हैं और हम आशीर्वाद की कामना करते हैं। तो बंदगी कर लो सबकी तरफ देख करके और बस सब कुछ हो गया, बढ़िया बंदगी हो गई, पैर छूने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अगर पैर छुए तो पैर ही छुए फिर, ठीक है ना, ये गलती अब कहीं ना हो, शायद यहाँ के लोग नहीं करते हैं भाई, कहीं दूसरी जगह करते, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, बढ़िया प्रेम के साथ में आप लोग यहाँ। और एक बात मैं जल्दी से थोड़ा कह देता हूँ कि यहाँ पर जितनी माँ बहनें आई हैं और जितने भाई लोग आए हैं वे बड़े ही प्रेम से, बड़े लगन के साथ में, जैसे अपने घरों में एकदम जो है काम में रत रहती, वही यहाँ आकर के इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में यहाँ सेवा में अपना शरीर लगाया, अपना पूरी ताकत लगाए, धन दिया है, पैसे अपने दिया है और शरीर से भी खूब सेवा किया है संतों की, खूब भोजन बनवाया है, बनाया है, खिलाया है और बाद में खाया है, बाद में खाया, कहा गया कि आप लोग भोजन कर लीजिए साहब, सब संत और भक्त पाले बाद में, ये कितनी संतोषी माता बैठी, कितना बड़ा संतोष किए हैं। अरे मैं एक बात कह दी, विवाह शादी में तो ये बेचारी मेरे छोटे पर भात बनाया जाता था या कभी तो कभी बड़ा बचते थे, बरिया बड़ी 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 बड़ा बनते थे तो सब बड़ा खा जाते थे, बराती लोग या जनाती लोग और लोग खा जाते थे, रिश्तेदार, उनके लिए कुछ नहीं मिलता था, तब भी बेचारी सब्र कर लेती थी, सब्जी परस्ते परस्ते न रह जाए तो कढ़ाइए खनमना चाट के यहाँ पहुँच करके अपन खा ले, बड़ी संतोष करती, आप सबको खिला कर खाती हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, जो न हो हमदर्द उसे जुदा समझिए, जो सबको खिला कर खाए उसे खुदा समझिए। ये खुदा का रूप है, ये भगवान का रूप है, जो दूसरों को खिला कर खाए वो भगवान का रूप है, वही दानी, वही उदार है, वही धर्मात्मा है। तो आइए अपने हाथों से सेवा करते रहे, दान करते रहे, हमारे धीरेन्द्र जी महात्मा और हमारे महात्मा लगे रहे, भक्त सज्जन हमारे, हमारे भैया यहाँ के गणेश जी, यहाँ के ही सरैया सानी के गणेश प्रजापति जी, वो भी भोजन में लगे रहे बराबर संतों की सेवा में, और जिनके यहाँ कार्यक्रम या हो रहा है जिनके ये खेत में, क्या जयसवाल जी का क्या नाम है, रमा शंकर जयसवाल जी के इस खेत में ये संतों का कार्यक्रम हो रहा है, आप सोचिए वे अपने उदारता के साथ में, उनका बेटा आज दो तीन दिन से चार दिन से सेवा में रहता है, जाता ही नहीं घर को, पूरी ताकत लगाए, जो भी कार्य करते साहब मेरे लिए बताइए, सेवा में डटे हुए हैं, संत सेवा में डटे हुए हैं, भक्त बाहर से आए हैं तो ये नहीं कि लेटे रहे बैठे रहे इधर उधर टहले, सब सेवा करते रहे हैं, उनका बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद और धन्यवाद है।
कि जो अपना धन भी दिया है और तन और धन और मन वाणी वचन सबसे उन्होंने सेवा किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना है कि हम जितना चाहिए इस भीषण गर्मी में, हम जब भी न्योता निमंत्रण किसी को पहुंचाएं, हमने कहा भैया भीषण गर्मी होगी, थोड़ा अपने शरीर को दे करके समय दे करके आइएगा। नहीं साहब, जरूर आएंगे। सब लोग आए, इतनी दूर से, फैजाबाद से, बाराबंकी से, रायबरेली से आ रहे, उन्नाव जनपद से, लखनऊ से और तमाम दूर दराज से यहाँ संत, और कौशाम्बी जनपद से, इलाहाबाद, प्रयागराज की धरती से यहाँ पर संतों का आगमन हुआ है, भक्तों का आगमन हुआ है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, हम उनके बहुत बहुत जो है समझ लीजिए ऋणी हैं, जो यहाँ आकर के दर्शन दिए और सेवा किए हैं। और हम चाहेंगे, हमने कुछ सेवा नहीं कर पाया, ना उचित आस्थान दे पाया, ना आसन दे पाया, ना भोजन सही समय से धो पाया है, ना भोजन अच्छा का, कभी घा भात गला है, रोटी जरी है, तो कहीं कुछ है, ऐसे खाया गया है, तब भी कितनी तारीफ करते। सुनते हो भैया, ऐसा भोजन तो घर में भी नहीं मिलता है, कितना स्वाद है, कितना बढ़िया रस है। और घर में अगर जरा भी गल जाए भात चावल गल जाए तो इनकी खैर नहीं, सब्जी में नमक मिर्चा कम हो जाए तो इनकी खैर नहीं देवियों की। लेकिन यहाँ बखानते हैं, नमक कम है, मिर्चा है ही नहीं, लहसुन मिर्चा का, लहसुन का और प्याज का तो प्रयोग ही नहीं होता है, तब भी कितना बखान करते हैं खाने वाले। हम टहलते तो खाने वाले बखान करते हैं, तो देखो कितनी श्रद्धा है, कितनी लगन है, कितनी भक्ति है। और यही होनी चाहिए, यही श्रद्धा और भक्ति हो जानी चाहिए, संतों का प्रसाद खाकर ही हम हमारा और धन्य हो जाएंगे, और यही लगन होनी चाहिए, ये श्रद्धा। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। साईं वंदे।